जैन साथियों, चलिए आज बिहार एसएससी के लिए आपका जो इंटर लेवल का इसका चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह आपका पेपर हुआ था 23/2/2015, यानी यह आपका 2015 में पेपर हुआ था। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जितने आपका पूरे क्वेश्चन आपका 150 का 150 हम हल करेंगे, यानी मैथ रीजनिंग सहित हल करेंगे। करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है कि ग्रेवियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ हुए है। आपका ऑप्शन बी होगा, नोबल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। देखिए आपका यह आपका 2014 के समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड है, यह भी आपका करेंट अफेयर का ही प्रश्न है, यानी यह आपका 2014 का करेंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। हालांकि इसका आंसर डी होगा, लेकिन देखिए यह आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। अभी आपको जो पूछेगा वो आपका 2023 का करेंट पूछेगा, इसलिए इसे आप याद रखने से मैं मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 2023 का याद रहना चाहिए। क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है मिस्र काहिरा, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, बिल्कुल सही है। बी है केनिया, तो केनिया की राजधानी नैरोबी है, ये भी सही है। सी है सूडान, सूडान की राजधानी खार्तूम है, ये भी सही है। लेकिन देखिए डी है आपका दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है, यह है आपका यानी विक्टोरिया है, कौन है तो विक्टोरिया है, इसलिए आपका डी क्या है तो डी आपका गलत है, यानी आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका फोर है, क्वेश्चन है दी गाइड उपन्यास, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, तो यह आर के नारायण, दी गाइड उपन्यास के लेखक आर के नारायण है। क्वेश्चन आपका फाइव है, क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो यह आपका महानदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सिक्स है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, तो भारत में सबसे अधिक खेती आपका धान की होती है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेवन है कि दिनार किस देश की मुद्रा है, तो दिनार आपका इराक की मुद्रा है, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एट है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो ये है मालगुडी डेज आर के नारायण है, इसके लेखक है आर के नारायण, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नाइन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। देखिए अभी आपका वर्तमान में इनमें से सभी आपका महारत्न कंपनी है, तो जब आपका यानी यह पेपर आपका 2015 में पूछा गया है, तो 2015 के समय में आपका ये जो कंपनी आपका है ये आपका पहले यानी महारत्न कंपनी नहीं था, लेकिन अभी आपका वर्तमान में ये भी आपका महारत्न कंपनी है, तो चारों का चारों आपका महारत्न कंपनी है। ध्यान रखिएगा आपकी अभी आपका वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सुंदर वन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन आपका 11 है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। देखिए आपका ये भी करेंट अफेयर का प्रश्न है, तो अभी तक आपका 4 क्वेश्चन मिल गया जो आपका करेंट अफेयर से पूछा गया है, हालांकि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी फिल्म समारोह 20-30 नवंबर 2014 में किस कहाँ पर हुआ था, यह आपका गोवा में हुआ था। देखिए ये भी आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, तो देखिए आप देख सकते हैं अभी तक आपको 5 क्वेश्चन मिल गया जो आपका करेंट अफेयर से पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, तो यह विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, तो ब्रिटिश भारत से बर्मा यानी म्यांमार आपका 1935 में अलग हुआ था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, यानी इसका स्थापना 1916 में हुआ था, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, ये क्या था आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन आपका ए होगा, ये 1905 में किया था, इसे याद रखिएगा। देखिए हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसमें मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन को हल करवाना है, इसलिए आपको समय अधिक लगेंगे, इसलिए आपको हम यानी जी के जिस आपको कम समय दे रहे हैं। देखिए मैथ रीजनिंग से आपका 75 क्वेश्चन आता है, तो 75 क्वेश्चन में समय लगेगा, इसीलिए हम थोड़ा जी के जिस पर कम समय दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन है कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, देखिए उस समय का आपका ये करेंट अफेयर का प्रश्न है, अभी तक
तक आपका 6 क्वेश्चन मिल गया जो आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो आप करेंट अफेयर भी पढ़िए, क्योंकि देखिए बिहार एसएससी के एग्जाम में आपका करेंट अफेयर से प्रश्न आपका 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा, 10 से 15 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से भी रहेगा, इसलिए करेंट अफेयर का भी तैयारी कीजिए। चलिए देखिए इसका छोड़ दिए, ये आपका 15 का ही करेंट है, इसे आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। तो देखिए सिक्किम आपका भारत का 22वां राज्य 1975 में बना था, ऑप्शन आपका डी होगा, ये आपका 36वां संविधान संशोधन के तहत बना है। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका इस बार जो 69th बीपीएससी का एग्जाम हुआ है इसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम इस बार बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, ये क्या था आपका 1950 में, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, देखिए आपका ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला का अगला अंक क्या होगा। अब देखिए यहाँ आपका 1 है तो यहाँ 2 है यानी दोगुना है, फिर यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ 6 है यानी क्या तिगुना है, अब देखिए 6 है तो यहाँ 24 है, 6 चौक 24 4 गुना है, अब 24 है यहाँ 120 है तो यहाँ 5 गुना है, तो देखिए पहले दोगुना फिर तीन गुना फिर चार गुना फिर पाँच गुना हुआ तो आगे क्या होगा 6 गुना होगा, तो 120 को 6 से गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, 120 को हम 6 से गुना करेंगे तो 12 × 6 = 72 यानी 720 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यह थी एनी बेसेंट, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, कौन सा समूह है जो आपका बढ़ते हुए क्रम में है। अब देखिए तरीका एक यह है कि आप क्या कीजिए सभी में भाग देकर देखिए कि क्या क्या आ रहा है, अब देखिए आप भाग देने जाएंगे आपको समय बहुत अधिक लग जाएंगे, तो एक तरीका आपका यह भी है, देखिए दो भिन्न को हम कैसे कंपेयर करते हैं, देखिए आपने दो भिन्न को पहले कंपेयर कीजिए इस दो को, ठीक है, फिर आप इस दो को कंपेयर कीजिए, ठीक, और फिर आप इस दोनों को कंपेयर कीजिएगा, तो ऐसे आपको जल्दी बनेगा, जैसे आप भाग देंगे तो आपको समय अधिक लगेगा। देखिए हम कैसे करते हैं, अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए इसी को हम चेक करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन ए को ही चेक करते हैं, अब देखिए इसमें देखना आपको बढ़ते हुए क्रम आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, तो आप देखिए ये दोनों को चेक कीजिए, तो देखिए 7 × 7 = 49, इसको दोनों गुना कीजिए, यहाँ लिखिए 7 × 7 = 49, 8 × 5 = 40, यहाँ 40 है या 49 है, ये तो बड़ा होना चाहिए था लेकिन वो बड़ा नहीं है छोटा है, तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखिए हम बी को चेक करते हैं, इसको देखिए पहले इसको चेक करेंगे हम दोनों में कौन बड़ा है, तो 11 × 5 = 55, यहाँ 55 आएगा, इधर गुना कीजिए 7 × 9 = 63, ठीक है, यहाँ तो आपका ये बड़ा आ गया ये छोटा आ गया, ठीक है, यहाँ आपका ठीक है, यहाँ इस दोनों को चेक कीजिए 7 × 49 = 8 × 5 = 40, तो यहाँ आपका 49 आ गया, यहाँ आपका 40 आ गया, तो ये आपका 12 होना चाहिए था लेकिन ये 40 छोटा है 49 से, तो बी भी आपका नहीं होगा, ठीक है, ए भी नहीं हुआ बी भी नहीं हुआ। अब चलिए सी को चेक करते हैं, अब इन दोनों को चेक कीजिए, तो अब देखिए 8 × 63 आएगा और 11 × 7 = 77 आएगा, तो भाई 77 बड़ा है 63 से, ये तो सही है। अब चलिए इसमें चेक किए दोनों में, तो आपका आएगा 11 × 5 = 55 और आपका आएगा 7 × 63 = 63, अब देखिए यहाँ देखिए आपका बिल्कुल सही है भाई, 77 सबसे बड़ा होता है फिर 63 फिर 55, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है, तो जब ऐसे आप बनाएंगे तो आपको समय कम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 23 है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा, ध्यान दीजिए कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा, यानी 3/4 से बड़ा होना चाहिए और 5/6 से छोटी होनी चाहिए। आप देखिए अब आपको चेक ऑप्शन ही बना सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे तरीका यही है, भाग देकर देखिए इसके बीच में कौन है, लेकिन समय आपको अधिक लगेगा तो हम ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 1/2, इसके बीच आप 1/2 लीजिए, क्या आएगा देखिए, तो आपका आ जाएगा यानी एक सेकेंड 3/4 1/2 5/6 चेक कर रहे हैं, आपका 1 को 6 से गुना कीजिए 6 आएगा और 5 × 2 = 10, यहाँ तो बड़ा लग रहा है, ठीक है, यहाँ इसको चेक कीजिए 3 × 2 = 6 और 4 = 4, ये देखिए आपका ये छोटा आ गया, ये आपका इसके बीच में नहीं है, ठीक है, 1/2 नहीं है।
इसी तरह हम 2/3 को बीच में लेकर चेक करेंगे, ठीक है। 2/3 को हम चेक करेंगे, 3/4 लेंगे, यहाँ पर 2/3 बीच में लेंगे और 5/6 लेंगे। देखिए 6 × 2 = 12 आ रहा है, 5 × 3 = 15 यहाँ, ठीक है। 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, देखिए यहाँ आपका नहीं आ रहा है, जबकि 8 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यानी यही बड़ा आपको आ रहा है, तो ये भी आपका बीच में नहीं है, यानी आपका देखिए ए नहीं होगा, नहीं बी होगा। अब देखिए सी को चेक करते हैं, सी को भी चेक कीजिए। अब सी को भी चेक करेंगे हम, 4/5 है, 5/6 है, 5 × 25 = 25 आ रहा है, यहाँ 6 × 24 यहाँ तो ठीक है, 6 × 24 आपका 5 × 3 = 15 आ रहा है, 4 × 16 आ रहा है, ठीक है, 15 × 16 तो आपका सी सही है, आपका सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे ही आप चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। सिंपल है, कह रहा 80 से 20% अधिक है, यानी 80 आपका यदि 100% मानते हैं तो 20% अधिक, यानी 120% इसका आपको निकालना होगा, ठीक है। एक तरीका यह भी है, 0 0 कट जाएगा, आपका आएगा 12/8 = 96 आएगा, ठीक है, ये 96 आएगा। तो ये तरीका आपका एक है, एक दूसरा तरीका ये है, कह रहा है 80 से 20% अधिक है, तो देखिए 80 तो होगा ही, 80 का 20% अधिक है, 20% इसका निकाल दीजिए अलग से, इसमें ऐड कर दीजिए, ये भी तरीका है, 0 0 कर जाएगा, 8 × 16 यानी 80 + 16 96 आएगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि इतना को गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब देखिए कह रहा है इसमें किस संख्या से गुणा करें कि वह यानी पूर्ण घन हो जाए, ठीक है, यानी घन समझते हो ना, इसका क्यूब रूट निकल जाए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें आप क्या कीजिए, 675 को आप क्या कीजिए, फैक्टर तोड़िए, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको फैक्टर तोड़ना है, किससे करेंगे, पहले इसको फैक्टर तोड़िए, आप 3 से ही लगे, 3 × 6 × 6 और 3 × 6 × 6 एक बचा आपका यहाँ पर, 3 × 5 = 15, ठीक है, 5 से लगी आपका, 5 × 5 = 20, 5 × 6 = 25, फिर लगे 5 × 5 = 45, फिर 3 × 3 = 9, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए क्यूब में क्या होता है, आपका 3 रहता है तो 1 बाहर आता है, ठीक है, तो 1 3 यहाँ है, 1 2 3 होगा और 3 3 हो गया, तो 3 तो आपका पेयर में है, यानी पेयर में 3 गो है, आपका 3 रहता है क्यूब में, 3 गो रहेगा तो 1 बाहर निकलता है, तो आपका 3 तो पेयर बन गया, आपका 3 टा का पेयर नहीं बनाना, आपको 3 × 3 के साथ आपको जो लगाना है, ठीक है, एक साथ करना है। अब यहाँ देखिए 5 2 ही है, तो 1 5 और रहता तब तो उसका क्यूब निकलता है, तो यानी इस संख्या में हमें 1 5 से और गुना करना पड़ेगा, यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी आएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कह रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल आपका 15 है। देखिए कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल कितना है, 15 है। तो मान लीजिए कोई भी 3 संख्या, एक एक्स होगा तो एक क्या होगा, अगला x + 1 होगा, दूसरा संख्या है, और तीसरा क्या होगा, x + 2 होगा। इस तीनों को जोड़ेंगे कितना आपका दिया, 15 दिया, यहाँ से जोड़िए आपका 3x और 1 1 + 1 + 2 3 आएगा बराबर 15, यहाँ से आपका आएगा 3x बराबर, इसको इधर ले जाए आपका आएगा 12, x आ जाएगा कितना, 4 × 3 = 12 आ जाएगा, ठीक है, x आपका 4 आ गया। संख्या क्या क्या होगा, देखिए तो x था, x + 1 था, तो 4 + 1 होगा, और x + 1 था, x + 2 था, तो 4 + 2 यानी आपका 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, ये आपका 3 संख्या आ गया। आपका तीनों का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कर दीजिए, आपका तीनों गुणा कीजिए, आपका क्या 6 × 5 = 30 और 30 × 12 यानी 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 आ जाएगा, ऑप्शन आपका ये आएगा, ठीक है। अब देखिए जिसको भी आपको मैथ का क्लास करना है, आपको बेसिक से मैथ का आपको क्लास करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, और बेसिक से आपको मैथ क्लास करना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ आपको हम देखिए पहले परसेंटेज पढ़ा चुके हैं, आप जाइए आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, परसेंटेज आपको पूरे हम पढ़ा चुके हैं, और उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क भी आपको हम कंप्लीट करवा चुके हैं, तो टाइम एंड वर्क आपको हो गया है और परसेंटेज हो गया है, तो आप जाकर क्लास देखिए, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है आपको समय दे करके, ठीक है। तो आप जाकर वीडियो देखिए, आपको 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप जिसको भी मैथ का क्लास करना है वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, और भी आपका जितने भी चैप्टर है सभी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सभी को हम आपको करवाएंगे, ठीक है। अभी आपका मात्र 2 चैप्टर हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 120 आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, देखिए 27 है, क्वेश्चन आपका 27 है, क्वेश्चन कह रहा है एक समान भार के 50 बक्से कैरी बैग में चढ़ाए गए, ठीक है, कह रहा है पुनः प्रत्येक 105 किलोग्राम भार के 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए हैं, अब कह रहा है जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया, तो कह रहा है कि पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना होगा, प्रत्येक का भार कितना होगा, मतलब सभी का आपको औसत पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है,
औसत पूछ रहा है, यानी पहले का औसत क्या था। चलिए आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आपका सामान भर के 50 बक्से थे, ठीक है, 50 बक्से थे, उसको चढ़ाए गए, तो 50 बक्से थे उसका कुछ औसत होगा, तो यही आपसे पूछ रहा है। देखिए, करा 50 बक्से थे, करा उन पर 105 किलोग्राम भार के 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, ठीक है। अब देखिए, 50 बक्से आपको था, ठीक है, उसका औसत कुछ होगा, एक्स मान लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है इसमें कि पाँच अन्य चढ़ाते हैं, जिसका प्रत्येक का वजन कितना है, 105 है, तो यानी इतना एक्स्ट्रा हम वजन चढ़ाए हैं। तो उसके बाद आपका जो 55 बक्सा टोटल हो गया, 55 बक्सा, इसका औसत आपको दिया कितना है, 95 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कीजिए, देखिए, तो 50x प्लस हो जाएगा 5×105 बराबर 55×95। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आएगा, आपका 94 आएगा, कितना आएगा, 94 आएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो संख्याएं। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप प्रोसेस से मत बनाइए, आप ऑप्शन से बनाइए, ठीक है, ऑप्शन आपको जल्दी बनेगा। अब ध्यान दीजिए, कर दो संख्या का औसत कितना, 7.5 है, तो औसत क्या था भाई, दो संख्या थे ए प्लस बी बटे टू, हैं, दो संख्या दोनों संख्या योग कर देंगे, दो से भाग दे देंगे। अब देखिए, तो 13 × 2 = 15 बटे दो करेंगे तो 7.5 आएगा, ठीक है, औसत तो है, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए, औसत 7.5 आ गया, लेकिन यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। अब इसको गुणा कीजिए तो 13×2 = 26 होता है, क्या 26 का वर्गमूल 6 आएगा, कभी नहीं आएगा, यानी आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बी चेक कीजिए, बी में क्या है, दोनों गुणा कीजिए, 9×9 = 54, क्या 54 का रूट कभी आएगा आपका, 6 नहीं ना आएगा, ये भी नहीं होगा आपका, तो नहीं ए होगा आपका, नहीं बी होगा। सी को चेक कीजिए, 10×5 = 50, क्या 50 का रूट कभी आपका 6 आएगा, नहीं आएगा, तो आपका ये भी नहीं होगा, तो नहीं ए हुआ, नहीं बी हुआ, नहीं सी हुआ, क्या होगा, डी होगा। अब डी को चेक कीजिए, 12×36, ठीक है, 36 का रूट कितना होता है, 36 का रूट आपका कितना, 6 होता है, तो 36 का रूट आपका 6 होता है, 6 कह रहा था। अब देखिए, 12×3 = 15, 15×2 करेंगे 7.5, यानी औसत भी 7.5 आ रहा है और उसका गुणनफल का वर्गमूल भी आपका 6 आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, डी आएगा। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बनेंगे, ठीक है, ऑप्शन बनेंगे आपको समय कम लगेगा, ठीक है, प्रोसेस आपको नहीं बताना है, नहीं बनाना है, ठीक है। देखिए, आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आए, क्या करना है आपको, देखिए इसमें क्या कीजिए आप, यानी इसमें आप क्या कीजिए, 65 से भाग दीजिए, ठीक है, 65 से आप भाग दीजिए। अब इसे भाग दीजिएगा तो आप देखिएगा शेषफल आपको कितना आता है, ठीक है, आपका शेषफल आ जाएगा 60, आपका शेषफल आ जाएगा, ठीक है। आप भाग देकर देखिएगा, आपको भाग नहीं बताएंगे, ठीक है, भाग, आई होप आप लोगों को भाग देना आता होगा, ठीक है। आप भाग देकर देखिए, आपको शेषफल आपको कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है, शेषफल आपका 60 आएगा, यानी आपका ये 65 से विभाज्य नहीं है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 60 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 65 से कब विभाज्य हो जाएगा बताइए, यदि इसमें और 5 ऐड कर दे हम अपने मन से, और 5 ऐड कर दे तो कितना होगा, इसका शेषफल 65 हो जाएगा, और तब तो ये 65 से आपका विभाज्य हो जाएगा। तो यानी इसी में यदि इस संख्या में यदि 5 हम और ऐड कर देते हैं तो वह 65 से विभाज्य हो जाता है। तो आप क्या आंसर पाएगा, तो इसी में क्या कीजिए आप, इसमें 5 को ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा कि ना 75075, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस, क्वेश्चन सभी आपका क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं है, सब क्वेश्चन आपको आसान है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि एक संख्या का 51% 714 है, तो उस संख्या का 39% क्या होगा। सिंपल देखिए, किसी संख्या का 51% कितना आपका, 51% आपका है 714 है, यहाँ से आप क्या कीजिए, 1% निकालिए, कितना आएगा आपका, 1% आएगा आपका 714/51 आएगा, फिर क्या है 39%, तो 39% कितना होगा, तो 714/51×39 कीजिए, ठीक है। अब इसका गुणा कीजिए, भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आप जब भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 546 आ जाएंगे, ठीक है, 546 आ जाएंगे। तो आप करके देखिएगा, आपका आ जाएगा 546, ऑप्शन आपका बी आएगा, ठीक। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि निम्न अंकों के सेट का औसत बताइए, आपको इसका औसत बताना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए औसत क्या होता है, औसत होता है, देखिए ध्यान दीजिए, औसत होता है कुल संख्याओं का योग, क्या होता है, कुल संख्याओं का योग होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, यानी जितने भी आपको संख्या दिया सभी को क्या कीजिए, आपको ऐड कर दीजिए, तो सभी को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, जितने भी संख्या दिया सबको ऐड कीजिए, ठीक है, सभी को ऐड कीजिए, 232 प्लस
139 प्लस 208 प्लस 301 प्लस 399 प्लस 415, ठीक है। अब गिनिए कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से भाग दीजिए, ये आपका औसत आ जाएगा। तो आप सभी को ऐड कीजिए, उसमें 6 से भाग दीजिए, ठीक है। सभी को जोड़िए और उसमें आप क्या कीजिए, 6 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप भाग कर देकर देखिएगा, जोड़ करके आपका आएगा 284 आ जाएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन आपका 32 है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। अब देखिए, कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, हम मानते हैं वो संख्या x है, तो x में 21 हम जोड़ेंगे तो कह रहा है वो संख्या जो है अपनी तिगुनी से, यानी 3x अपनी तिगुनी, संख्या x माने है तो उसका तिगुनी क्या होगा, 3x होगा, तिगुनी से 7 कम हो जाते हैं। यहाँ आपका ये इक्वेशन यहाँ से आ गया। आप क्या कीजिए, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, तो 21 है, 7 आएगा इधर, 28 हो जाएगा, ये आपका 3x है, इधर जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा, 2 से काटिए आपका 14 दूनी 28, यहाँ से आपका जाएगा x मान 14, यानी वो संख्या क्या है तो 14 है, ऑप्शन आपका ये आएगा, ठीक। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या इतना है तो अगर प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है तो उस अनुसार से शहर का जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने का 2 तरीका है आपका, ठीक है। एक यह है कि सिंपल आप क्या कीजिए कि इतना दिया आपका, ठीक है, इसका अगर 5% वृद्धि हो रहा है प्रत्येक साल तो 105% हो जाएगा आपका एक साल में, ठीक है। उसका अगले साल भी यही होगा आपका, 5% वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है। अब इससे क्या होता है आपका, देखिए 2020 कट तो जाएगा लेकिन ये आपका थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है, थोड़ा गुना भाग करना पड़ता है आपको, ज़्यादा ऐसे ज़्यादा नहीं है, 5 से करिए 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 से करिए 20, 25, 100, ठीक है। फिर 5 से काटिए 5 चौक 20, यहाँ करिए 5 दूनी 10, 5 एक 5, ठीक है। आप यहाँ 4 से इसको काट दीजिए, 4 से काटिए आपका क्या आएगा, 4 से करिए आपका 4 चौक 16, 4 एक 4, ठीक है। आपको आ तो गया, यहाँ भी आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है, 441 आ देखिए, 21 गुना करेंगे तक 441 ही आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 441 गुने 441। अब देखिए इसको हम गुना भी नहीं करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक इकाई क्या आपका, एक है, यहाँ भी इकाई अंक कितना है, एक है, तो एक गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, एक ही आएगा, तो यानी वो संख्या का इकाई अंक भी 1 ही होना चाहिए। अब देखिए 1 आपका केवल एक ऑप्शन में है, सी में है, तो यही आपका आंसर होगा, तो गुना करने का आपका जरूरत भी नहीं है, आप इकाई अंक से साथ आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन है यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं। अब देखिए एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, एक पन्ना टाइप करने में उसे 4 मिनट लगते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ को टाइप करने के लिए कितने टंकों की जरूरत होगी। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है 1 से 2 बजे यानी 1 घंटा बीच समय हुआ, तो आप देख लीजिए कि 1 घंटा यानी 60 मिनट में एक टाइप राइटर कितने, यानी एक टंकन कितने पन्ने को टाइप कर सकता है, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये एक टंकक 4 मिनट में करते हैं एक पन्ना टाइप, तो आप देखिए 4 मिनट से भाग देंगे तो आएगा आपका 15 चौका 60 आएगा, यानी आप ध्यान दीजिए 1 घंटा में एक टंकक 15 पन्ने को वो टाइप कर सकते हैं। कितना पन्ना टाइप करना है, तो 1080 पन्ना टाइप करना है, कितने यानी टंकक की आवश्यकता होगी, तो आप क्या कीजिए 15 से भाग दे दीजिए, तो 15 से भाग देंगे आपका आएगा 5 3 15, 5 से 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 6 30, 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6 यानी 72 आ रहा आपका, ठीक है। 72 यानी 72 टंकों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन है कि वह छोटी संख्या कौन सी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45, 55 से विभाजित करने किया जाए तो शेष फल 18, 28 और 38 प्राप्त हो जाए। अब देखिए जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आते हैं क्या करते हैं, पहले ये ध्यान दीजिए इस 35 में ये 18 माइनस कीजिए, तो 35 में से आप 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। अब देखिए इस 45 में या 28 को माइनस कीजिए, तो 45 में से आप 28 माइनस करेंगे, 45 में से 28 तो ये भी आपका 17 ही आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप 55 में से आप 38 माइनस करेंगे तो आपको 17 ही आएगा, सेम क्यों आ रहा है, सेम ही आएगा आपका, ठीक है। तो जब भी आपका इस तरह का केस आया है, इस तरह का क्वेश्चन आए, तो क्या करना है, देखिए तो आपको सबसे पहले इसका एलसीएम करना है, यानी 35 45
और 55, इस तीनों को आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। आई होप आपको एलसीएम आता होगा, ठीक है, एलसीएम आपको करना है। तो जब आप एलसीएम करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम हम डायरेक्ट ले रहे हैं, आप लोग एलसीएम कर लीजिएगा, ठीक है, इसका एलसीएम आएगा आपका 3465 आएगा, ठीक है, इसका एलसीएम आएगा आपका 3465 आएगा। लेकिन आप क्या करना है, अब देखिए ये आपका जो इस दोनों में से माइनस कर रहे थे सभी में से, तो कितना आ रहा था, सब केस में 17 आ रहा था, तो 17 आप क्या कीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये जो 17 आ रहा था आपका, ये 17 इसमें माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इससे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3448 आएगा, कितना आएगा 3448 आएगा, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन है कि कुल 280 नारंगी 50 लड़के और लड़कियों को दिए जाते हैं, यानी टोटल आपका लड़का लड़की कितना है 50 है, उसके बीच में 280 नारंगी को बांटे जाते हैं, अगर इसमें से प्रत्येक लड़के को 5 और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं तो कुल कितनी लड़कियाँ हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या करेंगे, आपका टोटल आपका कितना है, लड़का लड़की 50 है, तो देखिए आपका एक तरीका ये है, ऑप्शंस बनाइए, ठीक है, ऑप्शंस आप बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम तो आपको ऑप्शंस ही बनाते हैं, प्रोसेस से बनाएंगे तो बनेगा लेकिन समय थोड़ा लगेगा, लेकिन आप ऑप्शंस बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। आप ध्यान दीजिए कैसे बनेंगे ऑप्शन से, तो आप देखिए क्या कुल कितनी लड़कियाँ हैं, ये लड़कियों की संख्या दिया होगा, ऑप्शन जो दिया होगा क्या दिया होगा किसका, तो लड़कियों की संख्या का ऑप्शन दिया होगा, तब देखिए हम मान लीजिए ऑप्शन ए लेते हैं, कितना है 35 है, तो 35 मान लो लड़की है, एक लड़के कितना 7 नारंगी मिलते हैं, तो 35 गुना 7 कीजिए, देखिए 35 गुना आप 7 कीजिए तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 × 21 = 3, 245 तो यही आ गया, तो क्या 280 में 245 तो नारंगी आपको लड़की की मिल गया, तो क्या लड़का का इतना ही बचा रहेगा, वही मिलेगा, तो आपका यहाँ ये नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन आपका ये नहीं होगा। बी को चेक कीजिए आप, तो 25 गुने की ना 7 कीजिए, तो 25 गुना 7 करेंगे आएगा, 25 गुने 7 करेंगे तो 25 चौका 100 आपका आएगा कितना 175 आएगा, ठीक है, तो ये आपका लड़की की मिलेगा नारंगी। अब देखिए 25 जब लड़की है तो लड़का कितना होगा 25 होगा, एक लड़का कितना मिलता है 5 मिलता है, तो 25 × 5 = 125, अब दोनों को ऐड कीजिए कितना है आपका, दोनों को ऐड करेंगे आपका 300 आ रहा है, क्या टोटल नारंगी 300 है, नहीं है 280 है, यानी आपका ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, नहीं ए हो सकता, नहीं बी हो सकता है, ठीक है। अब सी को चेक करेंगे, उसी तरह से हम डी को चेक करेंगे, ठीक है, चलिए हम सी को चेक करते हैं, सी में लड़की की संख्या कितना है 15 है, तो एक लड़की को कितना नारंगी मिलते हैं 7 मिलते हैं, तो 15 × 7 कितना होगा 105 होगा, ठीक है 105 होगा। अब देखिए अब कितना 15 लड़की है तो लड़का कितना बच गया, तो 50 में से 15 को माइनस कीजिए कितना होगा 35 होगा, तो 35 लड़का हुआ, एक लड़का को 5 मिलता है, गुना कीजिए आपका 5 × 6 = 25 × 2 = 15 × 2 = 17, ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए आपका 280 आ रहा है, क्या टोटल आपका 280 नारंगी है, यहाँ आपका बिल्कुल सही आ रहा है 280 आ रहा है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे बना लीजिए आप कि टोटल आपका लड़का लड़की की संख्या कितना दिया, तो एक्स प्लस एक्स मान लीजिए लड़कों की संख्या, वाई मान लीजिए आप लड़कियों की संख्या, ये आपका 50 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन बनेगा कि एक लड़का को 5 नारंगी देते थे, 5 + 5x + 7y = आपका जो 280, ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए y का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन है कि उस नगर की जनसंख्या 15,000 है, उसमें पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो यह जनसंख्या बढ़कर इतना हो जाती है, तो कह रहा उस अनुसार कि उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आप प्रोसेस बनाएंगे तो यहाँ आपको समय लगेगा ज़्यादा, 100% है कि इसको हम प्रोसेस बनाएंगे तो आपको समय अधिक लगेंगे, लेकिन हम ऑप्शन से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ऑप्शन से, आप ध्यान दीजिए आपका जनसंख्या शुरू में कितना था 15,000 था, ये बढ़कर कितना हो गया 16,300 हो गया, कितना बढ़ा, यानी 1,300 बढ़ा, यानी 1300 बढ़ा, 1300 बढ़ा है ना, तो 1300 बढ़ा है। अब ध्यान दीजिए कि आपका टोटल जनसंख्या कितना 1300 बढ़ा है, अब 1300 में इसी में तो आपको यानी आपका पुरुष का संख्या 8% वृद्धि होगा और महिला की संख्या में 10% वृद्धि होगा, तब तो इतना बढ़ा है 1300। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन चले लेते हैं, अब क्या कह रहा है स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए लेते हैं 4,000, यानी स्त्रियों की संख्या पहले कितना था 4,000, तो 4,000 था, ठीक है 4,000 है, अब कह रहा है इसमें स्त्री की संख्या में 10% वृद्धि हो रही है, तो अब 4,000 का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा 4,000 का, तो 400 होगा, ठीक है 400 होगा, तो यानी स्त्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हो गया 400 हुआ, ध्यान दीजिए 400 हुआ, एक सेकेंड, तो 400 हुआ, 400 हो गया आपका स्त्री की संख्या में वृद्धि। अब देखिए तो यदि 4,000 स्त्री है तो टोटल 15,000 है, तो पुरुष कितना बच गया 11,000,
11,000, पुरुष में कितना वृद्धि होता है 8%, इसका 8% निकालिए आप, 11,888 ठीक है, 11,888 आपका देखिए बहुत कम आ रहा है, आइए नहीं 1300 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसी तरह हम क्या करें, ऑप्शन से ही चेक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से ही चेक करेंगे। अब देखिए ऑप्शन डी को आप चेक कीजिए, ठीक है, स्त्री की संख्या कितना है 5,000, ध्यान दीजिए 5,000 है स्त्री की संख्या, 5,000 इसका अगर आपका 10%, तो सिंपल है 5 का 10% कितना 500 होगा, तो 500 वृद्धि होगा किसमें, स्त्री को संख्या में, ठीक। अब यदि 5,000 होगी स्त्री की संख्या तो टोटल आपका कितना 15,000 है, तो पुरुष की संख्या कितना होगा 10,000 होगा, क्योंकि 15,000 में से हम स्त्री की संख्या घटा देंगे तो आपका पुरुष की संख्या आ जाएगा। तो 10,000 का आपको पता होगा, 10,000 का 8% कितना होगा, 10,000 का 8% कितना होगा, 800 होगा, 20 आपका कट जाएगा, एक सेकंड, हाँ 800 होगा, सही है 800 होगा, तो आपका 800 होगा, एक सेकंड, यहाँ 500 स्त्री की संख्या में वृद्धि हुआ था और 800 होगा पुरुष की संख्या में वृद्धि, तो 8, 5, 1300 टोटल कितना हुआ 1300 वृद्धि हुआ, और यहाँ भी कितना हो रहा था वृद्धि 1300 ही हो रहा था, तो यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन आपको कम समय लगेगा, प्रोसेस आपको समय अधिक लगेंगे। अब देखिए प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, तो प्रोसेस से वही बनाते हैं आपका, कि मान लेते हैं कि एक संख्या पुरुष है, वह संख्या आपका महिलाएं हैं, और टोटल आपका कितना दिया है 15,000 दिया है, ठीक। और दूसरा क्या बनाते हैं, तो आप देखिए पुरुष की संख्या में 8% वृद्धि हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 108%, और महिला की संख्या में 10% वृद्धि हो रहा है, आपका यह हो जाएगा 110%, ये कितना दिया है, ये दिया आपका कितना 16,300, ठीक है। अब लीजिए ये आपका दो इक्वेशन आ गया, दोनों को सोल्व करते रहिए, तो आपको समय इसमें अधिक लगेंगे, तो आप क्या कीजिए ऑप्शन से बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में 5,000 बढ़कर 5,700 रुपया हो जाते हैं, ठीक है, तो कह रहा है इस अनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा, ये सिंपल आपका है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 5,000 था, कितना हो गया 5,700, यानी कितना आपका इसमें ब्याज मिल गया, तो इसमें ब्याज हो गया आपका 700, ठीक है 700, तो ब्याज और क्या होता है आपका मूलधन गुने समय, एक वर्ष था गुने दर बटे 100, यही होता आपका, तो आपका देखिए दो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 14×5=70, यहाँ से आपका रेट आ गया 14%, रेट हमें मालूम हो गया कितना 14%, यानी आपका इसमें ब्याज दर कितना है 14% ब्याज दर है। अब कह रहा है 7,000 रुपया, ध्यान दीजिए 7,000 रुपया, ठीक है, तो इसका रेट तो 14% होगा, वही रेट रहेगा, 5 वर्षों में कह रहा है कितना होगा, 5 वर्षों में दो जीरो कट जाएगा आपका, 14×5=70, यहाँ 70 है, तो 77 49 आपका जाएगा ना 49×20, ठीक है, इतना आपका ब्याज हो जाएगा, है अभी कितना, अभी है आपका 7,000 है, तो 7,000 है इसमें जो दिए 7×4=11, 11,900 हो जाएगा, 11,900 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका 39 है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता यानी 6.4 लीटर और यानी 21.6 लीटर है, ठीक है, तो कह रहा है उसके आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, आयतन का अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है, V1 अनुपात V2 निकाल लीजिए, अनुपात निकालेंगे तो आपका 6.4 अनुपात आपका कितना है, इतना है, आप पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आएगा, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ भी 10 आएगा, 10 आपका कट जाएगा, तो आपका कितना है 64 है, यहाँ कितना है 216 है, तो ये आपका आयतन का अनुपात है, ध्यान दीजिए ये आपका आयतन का अनुपात है, आप ध्यान दीजिए आयतन का अनुपात कितना है 64:1 कितना है 216 है। अब सिंपल है आपका, देखिए क्या होता है अर्धगोला का आयतन, क्या होता है π/2/3 πr³, क्या होता है 2/3 πr³ होता है। अब देखिए पाई तो भाई दोनों में कट जाएगा ना आपका, यहाँ भी यही होगा यहाँ भी यही होगा, तो 2/3 π तो कट जाएगा आपका, बचेगा क्या, तो r³ बचेगा, तो यानी ये आपका r³ के रेशियो दिया है, ठीक है ध्यान दीजिए ये आपका r³ का रेशियो दिया है, तो r के रेशियो हम कैसे निकालेंगे, r के रेशियो निकालने के लिए क्या कीजिए आप, इस दोनों का क्यूब रूट निकालिए, ठीक है क्यूब रूट निकालिए इसका भी, और 216 इसका भी क्या कीजिए क्यूब रूट निकालिए, ठीक है, तो 64 कितना होगा 64, ठीक है, और 216 किसका होगा, तो 216 आपका 6 का होता है क्यू, ठीक है, अब फिर इसको क्या किया 200 भाग दिए काटिए, तो 2×4 2×3 6 आपका आ जाएगा रेशियो 2:3 आ जाएगा, ठीक है 2:3 आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है, एक जो नल आपका ए है वो 8 घंटे में टंकी को भर सकता है, दूसरा नल बी उसी को 6 घंटे में भर सकता है, यानी बी जो है उसी को वो 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है
बी जो 6 घंटे में भर सकता है। अब कराई यदि दोनों नल ए और बी खोल दिया जाए और 2 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उसी टंकी को कितने घंटे में भर सकेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप यानी चुटकी में बना सकते हैं, ठीक है। आपको हम करवा चुके हैं पूरे, आपको यानी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूरे करवा चुके हैं, इसी में आपको नल का भी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो आप जाकर वीडियो देखिए, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए करा है तो दोनों क्या एफिशिएंसी पर निकालिए, तो 8 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 6 का एलसीएम आएगा आपका 24 आएगा, ठीक है। तो 8 3 24, तो ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, 6 चौक 24, बी का 4 हो गया। अब देखिए क्या करा है, कर ए एंड बी मिलकर कितना निकाज करता है, ये आपका सॉरी 2 घंटे तक चालू रहता है, 2 घंटे तक। अब देखिए ये आपका 2 घंटे तक चालू रहा, उसके बाद कह रहा है कि ए को बंद कर देते हैं तो कौन रहेगा चालू, बी रहेगा। तो कह रहा है ये कितने समय में बी जो है बाकी जो कार्य जा गया वो कितने समय में यानी कर देगा, यानी कितने समय में टंकी को भर देंगे, ठीक है। अब देखिए ए और बी 2 घंटा कार्य करता है, अब देखिए ए और बी के दोनों के एफिशिएंसी को ऐड कीजिए, 3 है और ये 4 है, 4 3 7 होगा, तो 7 से गुना कीजिए तो 7 2 14 हो गया, यानी वो 2 घंटा में 14 पार्ट यानी वो भर दिया होगा। टोटल कितना कार्य है, 24 है, तो 24 है ये 14 कार्य कर दिया, बचा कितना, तो 24 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 पार्ट जो कार्य रह गया वही तो बी करेगा, 24 टोटल कार्य था भाई, ये 2 दिन में 2 घंटा में आपका 7 14 पार्ट कार्य कर दिया, बचा कितना, तो 10 बचा, तो 10 वो कौन भरेगा, यही आपका जो बच गया बी वही ना भरेगा। तो आप देखिए 10 पार्ट कार्य है और बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो 10/4, ठीक है, ये आपका इसका समय आ गया, ठीक है। तो ये नहीं कितना समय आपका आ जाएगा, 10/4 यानी इसको भाग दीजिए, 5/2 आएगा, 5/2 आएगा, इसको 2 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं, यानी आपका जाएगा 2.5 घंटा, ऑप्शन आपका डी आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है। अब देखिए क्या कर, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, कह रहा है फिर 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो कह रहा है 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेंगे, देखिए तो क्या कीजिए, सभी को एलसीएम लीजिए, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम लीजिए, आप एलसीएम कीजिएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 आ जाएगा। अब देखिए 120 सेकेंड आया, यानी 120 सेकेंड के बाद वो एक साथ बजेंगे, ठीक है, दोबारा एक साथ वो 120 सेकेंड के बाद बजेंगे, तो भाई 120 सेकेंड के बाद बजेंगे यानी, अब देखिए तो 120 सेकेंड कितना मिनट होता है, 120 सेकेंड आपका 2 मिनट होता है, 60 सेकेंड से भाग दीजिए ना आपका, ठीक है, आपका क्या आएगा, 2 मिनट आ जाएगा, यानी वो 2 मिनट पर एक साथ बजता है। अब देखिए 30 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 30 मिनट 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 15 आएगा, 15 बार बजेंगे, तो ये आपका गलत है, 15 बार नहीं बजेंगे, 16 बार बजेंगे, क्यों हम एक ऐड किए हैं, ध्यान दीजिए पहले वो एक साथ सभी घंटियाँ बजना शुरू किया था, ठीक है, उसके बाद इसके अंतराल पर बज रहा है, यानी पहले आपका एक बार तो सब बज चुका है, उसके बाद आपका ये 15 बार एक साथ बजा है, तो इसीलिए इसको ऐड करेंगे तो टोटल आपका जगह कितना, 16 बार वो एक साथ बजेंगे, तो ऐसे गलती आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको देखिए बहुत सारे इसमें 15 कहेगा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेगा 15 बार, ये आपका गलत है, 16 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका देखिए 42 है, क्वेश्चन 42 है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपने चीज़ों की बिक्री 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, ठीक है, और कह रहा है उसी बिक्री मूल्य पर 10% का छूट देता है, ठीक, तो कह रहा है उस अनुसार तदनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने किसी वस्तु पर वो क्या करता है, पहले 10% रेट बढ़ा देता है, ठीक है, 10% रेट बढ़ा दिया, और जब उसे बेचने ग्राहक आया तो उसे बेचने के लिए फिर क्या करता है, वो 10% का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है, 10% का छूट दे देता है, तो कह रहा है पूरे क्रियाक्रम में उसे कितना परसेंट का लाभ होगा या हानि होगा, ये कह रहा है आपका। तो आपको तो ऐसा लगता होगा कि भाई 10% पहले बढ़ाया और फिर वो 10% घटा दिया, कम कर दिया, तो उस आपको लगता होगा 0% होगा, नहीं लाभ होगा नहीं हानि होगा, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनेंगे, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, आप ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बाई 100, ठीक है, इसको आप यूज कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पर बनता है, ठीक है, बहुत भारी से भारी क्वेश्चन आपका इस पर बनता है। अब देखिए इसको कैसे हम यूज करेंगे, अब करा गया कि पहले 10% बढ़ा रहा था उसको हम प्लस में ले लेंगे, ठीक है, जो 10% बढ़ा रहा था उसको एक जगह ले लीजिए आप, 10 प्लस प्लस में ले लीजिए 10, ठीक है। अब करा फिर 10% छूट देता है यानी घटाता है, तो 10 बी की जगह आप -10 लीजिए,
घटा रहा है इसलिए माइनस में ले रहा है, ठीक है। आपका आ जाएगा प्लस है 10 × -10/100 हो जाएगा। अब ये 10 10 कर जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में 0 0 0 कर गया तो 1 × -1 - 1 आ जाएगा, यानी -1 आया, ठीक है। आपका फाइनली कितना आया, -1 आया। तो -1 आया तो इसका मतलब 1% उसको क्या होगा, लॉस होगा यानी हानि होगा, ठीक है। प्लस में आता तो 1% लाभ होता है, लेकिन माइनस में आया इसलिए 1% हानि होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की उम्र अपनी पत्नी की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, यानी वो अपनी पत्नी से क्या है, 7 वर्ष अधिक है। ध्यान दीजिए, वो अपनी पत्नी से 7 वर्ष क्या है, अधिक है, ठीक। अब कह रहा है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र के तिगुनी है, यानी उसकी माँ जो है, यानी इसकी पत्नी होगा इसी बच्ची की माँ, तो कह रहा है वो तिगुनी है, अपनी पुत्री की उम्र से तिगुनी है। उस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, अब ये उसके पुत्री की उम्र के 10 वर्ष है, अब पुत्री से उसके माँ जो है 10 3 गुनी है, इसका 10 है तो उसका, यानी उसके माँ की उम्र कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। अब देखिए कह रहा है उसका पति जो है वो 7 वर्ष अधिक बड़ा है, तो पत्नी की उम्र कितना है, 30 वर्ष है, तो उसका पति की उम्र कितना होगा, 30 + 7 कर दीजिए, यानी 37 वर्ष होगा, कितना होगा, 37 वर्ष होगा। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका बी आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और 17% लाभ कमाने हेतु वस्तुओं पर क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी हम इसी का यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, इसी का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिए, अब कर अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, कर अंकित मूल्य कितना बढ़ा दे, ठीक है, कितना बढ़ा दे, तो हम मान लेते हैं आपका कि x% बढ़ा देते हैं, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है, तो b की जगह हम -10 का यूज करेंगे, ठीक है, तो x - 10 हो जाएगा, प्लस क्या करते थे a × b, तो एक जगह आपका x है, b की जगह कितना है, -10 है, बट्टे क्या होगा, 100 होगा। बराबर क्या देंगे, तो बराबर आपका फाइनली 17% लाभ हो रहा है, तो 17 देंगे ना, क्योंकि देखिए फाइनली आपका यहाँ पर -1 आया था तो 1% हानि हुआ था, तो यहाँ पर 17% लाभ हो रहा था, यानी ये फाइनली कितना आएगा, 17 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा 17, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, 0 0 कर दीजिए, आपका आ जाएगा x - 10, यहाँ प्लस माइनस होगा, x/10 बराबर आपका 17 आएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, अब ये 10 को इधर लीजिए तो 27, यानी आपका आ जाएगा x - x/10 बराबर 27 हो जाएगा। अब एलसीएम कीजिए, 9x/10 बराबर 27 हो जाएगा, 9 × 27, यहाँ से कोना कोना कीजिए, x1 आ जाएगा 30%, यानी 30% अधिक अंकित करना होगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको इसी पर बन जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसे 6 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर इसको कितने दिन में पूरा करेंगे। आप देखिए, यदि आप टाइम एंड वर्क का मेरे क्लास देखे होंगे तो ये आपको सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन लगता होगा, ठीक है। इसको मौखिक आंसर आप बोल सकते हैं, मौखिक इसका आंसर बोल सकते हैं। इसका मौखिक आंसर कितना होगा, देखिए 4 है या 6 है, यानी ये इसको 4 घंटा में भरते हैं और बी 4 दिन में और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है, काम है, सॉरी, दोनों को एलसीएम लीजिए, 12 आएगा, 4 × 12 6 × 12 टोटल काज कितना है आपका 12 है, टोटल इफिशेंसी कितना होगा, 3 × 5 होगा, ठीक है, 12/5 इसका आंसर होगा, ठीक है, 12/5 इसका आंसर होगा, 12/5 भाग दीजिए 5 × 10, 2 × 2 × 2/5, ठीक है। ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन है कि 55 लीटर के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है, अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए आपका 55 लीटर है, ठीक है, इसमें लेकिन दूध और जल का अनुपात है 7:4 है, यह अनुपात कह रहा है 7:6 करने के लिए कितना इसमें पानी हमें मिलाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मिला क्या रहा है, आपका पानी मिला रहा है, तो दूध की मात्रा चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ भी 7:1 है, यहाँ भी 7:1 है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक सेम है। अब देखिए बढ़ा क्या, तो यहाँ 4 था, यहाँ 6 हो गया, किसका मात्रा, पानी की मात्रा है, तो कितना बढ़ा है, तो 2 पार्ट बढ़ा है, ठीक है, 2 पार्ट बढ़ा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 7 × 4 = 11 पार्ट किसके बराबर है, 55 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए 11 पार्ट आपका 55 के बराबर है, तो 1 पार्ट कितना आएगा, 11/5 = 55, 5 आएगा, 5 के बराबर, यहाँ कितना बढ़ा रहा है, 2 पार्ट बढ़ा है, तो 2 पार्ट कितना होगा, तो 1 पार्ट 5 है, तो 2 पार्ट कितना होगा, 2×5 = 10, यानी 10 हो जाएगा, तो यानी 10 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। क्वेश्चन 47 है,
क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक कलम 20% के हानि पर बेची, यदि वह कलम 12 रुपया अधिक पर बेचता उसे 10% का लाभ होता है। तो कह रहा है कलम का क्रय मूल्य क्या होगा। अब सोचिए, कह रहा है कि एक व्यापारी एक कलम को 20% के हानि पर बेची, ठीक है। मान लीजिए कुछ रुपया में बेच रहा था तो उसे पहले आपको 20% क्या हो रहा था, हानि हो रहा था, ठीक है, 20% हानि हो रहा था। कर यदि वह कलम को 12 रुपया अधिक में बेचता, यानी कलम पर और कलम को 12 रुपया अधिक में बेचता तो 10% का क्या होता, लाभ होता। अब बताइए कि 20% का लॉस हो रहा है, अब 12 रुपया ही अधिक देता उसे बेचता अधिक 12 रुपया अधिक में तो उसे 10% का लाभ भी होता, यानी कितना कवर कर रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए 20% आपका लॉस ही था, 10% आपका कवर भी कर रहा है, लेकिन टोटल देखा जाए तो आपका 30% का अंतर है। ध्यान दीजिए दोनों में अंतर कितना है, 30% का अंतर है। यही 30% आपका 12 के बराबर है, यानी यही आपका 30% किसके बराबर है, 12 के बराबर है। यहाँ से आपका आ गया कितना, 30% आपका आ गया कितना, 12, 30% आपका 12 आ गया, तो यहाँ से आपका 100% निकाल दीजिए, आपका कितना आएगा, 12/30×100 आ जाएगा आपका, 10 कर जाएगा, 3×4 12 आपका कितना, 40 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्रय मूल्य क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक है। तो आप भी इतना फास्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप सभी क्लास देखिए मेरा, ठीक है, जितने भी मैथ के क्लास हम करवाए हैं सभी क्लास देखिए, आप भी इसी तरह क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को फास्ट बना सकते हैं, चाहे वो कितने भी हार्ड हो चाहे कितने भी लॉन्ग हो, आप इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को फास्टली बना सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक्स से आपको क्लास देखना होगा, ठीक, पूरे बेसिक्स जो हम पढ़ाए हैं वो क्लास आपको देखना होगा, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सभी क्लास वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, इसमें एक नए लड़के को शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। देखिए ये आपका गलत दिया है, यहाँ लिखना चाहिए कि उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो कह रहा है नए लड़कों की वर्तमान आयु कितनी है, सिंपल क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 लड़कों का औसत आयु कितना था, 9 थी, ठीक है, तो 9×36 यानी 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का कुल आयु कितना है, 36 वर्ष है। तो वर्तमान कितना होगा, तो भाई देखिए 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष तो वर्तमान में लाने के लिए सभी में 5 वर्ष का क्या करना, आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक में आपका 5 है, तो 5×20 इसमें ऐड कीजिए, तब आपका वर्तमान आएगा, यानी वर्तमान में एज कितना है, 56 है। तो वर्तमान आपका चारों का आयु का योग कितना होगा, 56 है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, अगर अभी वर्तमान में इन पाँचों का औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है, तो औसत आयु 15 वर्ष है 5 का, तो टोटल कितना है, 15×5=75, तो टोटल अभी आपका पाँचों का कुल आयु 75 है और चारों का कुल आयु 56 है, तब पाँचवा का आयु निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसी 75 में से 56 को माइनस कर दीजिए, तो 75 में से हम जब 56 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 19 आएगा, कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। तो क्या आपका आएगा, ऑप्शन आपका आएगा डी, 19 आएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सी है, ठीक है, सोमवार यानी मंडे यानी ट्यूजडे और वेस्टनडे, ठीक है, तीनों का कुल आयु सॉरी कुल तापमान कितना होगा, तो 30×3 हो जाएगा आपका 90 डिग्री सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक सेकंड, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ 90, एक क्वेश्चन आपको आएगा 2-3 को, इसलिए आपको हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 90, ठीक है। अब कह रहा है कि मंगलवार यानी ट्यूजडे, बुधवार वेस्टनडे और गुरुवार यानी थर्सडे, ठीक है, उसका औसत आयु कितना है, 33 है, तो 33 या 3 वो है, तो 33 दिया कितना होगा, 99 होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, 33 दिया 99 होगा। और क्या दिया, और दिया आपका कि सोमवार का तापमान कितना है, 32 डिग्री सी है, ठीक है, उसको रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, दोनों को पहले माइनस कीजिए, दोनों को माइनस कीजिए, देखिए आपका आ जाएगा क्या, आपका ट्यूजडे कर जाएगा, वेस्टनडे कर जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ क्या आपका आएगा, मंडे माइनस थर्सडे बराबर 90 में से 99 गया, आपका माइनस 9 आएगा, यानी यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ गया क्या, मंडे माइनस थर्सडे बराबर माइनस 9, आपको मंडे का तापमान दिया था कितना दिया था, 32 दिया था, तो थर्सडे कितना आएगा आपका, माइनस 9, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो आपका आ जाएगा कितना, तो 32+9 आ जाएगा, ठीक है, 32+9 आ जाएगा आपका थर्सडे ने गुरुवार का तापमान, ठीक है, आपका आ जाएगा 32/9=41, तो कितना होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा यानी गुरुवार का तापमान कितना था, 41 डिग्री सी था, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 50 है।
क्वेश्चन कर रहा है कि एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, मुंबई से पुणे जाती है, यानी ये मुंबई है, यहाँ पुणे है, मुंबई से पुणे जाते 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और वहाँ से 30 किलोमीटर पर आवर घंटा से वापस आती है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे यानी V1 से जा रहे हैं, V2 से वापस आ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। एवरेज चाल आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, 2V1 × V2 / V1 + V2 होगा, ठीक है। इसका यूज कीजिए, आप अगर 2 × V1, तो V1 मान लीजिए 20 है, V2 30 है, / 20 + 30, ठीक है। आपका कितना आएगा, आपका जगह 2×20×30/30 = 50, 0 0 कट जाएगा, आपका देखिए 0 0 कट जाएगा, आपका आएगा कितना, 5 × 5 = 20, 4 × 4 = 12, 12 × 24, 24 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है, क्वेश्चन आपका 51 है। अब देखिए क्या है, 51 यहाँ ध्यान दीजिए, यह आपका 17 है, यहाँ क्या आपका 153 है, 17 है तो यहाँ आपका 153 है, ठीक है। 17 को 9 से गुना कीजिए, 17 × 9 आपका 153 होता है, उसी तरह से आपका यहाँ क्या आएगा, यहाँ 9 गुना है तो यह भी आपका 9 गुना होगा, तो 24 को 9 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 को 9 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यह आपका आएगा 216 आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो आगे क्या होगा, डी होगा, सिंपल है। फिर आपका यहाँ क्या है, देखिए अब आपका यहाँ एफ है तो यहाँ आपका जी है, जी है, फिर एच है, एच है तो आपका क्या आएगा, आई आएगा, ठीक। फिर आपका क्या है, के है, के के बाद आपका एल है, सॉरी जे के एल, एल के बाद एम, एम के बाद क्या आता है, एन आएगा, यहाँ एन आएगा, फिर आर के बाद आपका पी आर एस, आर आर के बाद एस आएगा, यानी डी आई एन एस, डी आई एन एस ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, डी आई एन एस ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आपका 53 है, यहाँ देखिए आपका क्या है, 23 है, यहाँ 13 है, कितना कम है, 10 कम है, यहाँ से भी आपका 10 कम आएगा, ठीक है, 10 कम कीजिए तो 54 में 10 कम करेंगे कितना आएगा, 44 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है, समाचार पत्र पाठक, देखिए समाचार पत्र को कौन पढ़ता है, पाठक बनता है, इसलिए रोटी, तो रोटी को कौन खाता है, तो उपभोक्ता खाता है, ऑप्शन सी आएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है, 55 देखिए क्या किया है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए आप क्या किया, 55 में क्या किया, ठीक है, यहाँ आपका क्या है, आर है ना, आर है, यहाँ आर है आपका, फिर ई है, उल्टा लिख दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया आपका, उल्टा, ये जो एफ था ये एफ यहाँ चला गया, एल आपका यहाँ चला गया, ओ यहाँ चला गया, ठीक है, उल्टा है सभी को, तो यहाँ आपका एस क्या होगा, एस यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ का इसके बाद टी आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका, आई आएगा, आई के बाद क्या आएगा, यू आएगा, यू के बाद फिर आर, फिर आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। किस में है, एस टी, यानी आपका एस टी, सॉरी एस टी आई यू आर एफ, एस टी आई यू आर एफ ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है, 56 में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या आपका देखिए 6 है तो यहाँ आपका 5 है, एक कम है, फिर यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ 3 है, एक कम है, 1 है तो 0 है, एक कम है, 5 है तो 4 है, एक कम है, एक कम है तो 7 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 है तो 7 आ जाएगा, ठीक, यहाँ 9 है तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 है तो 5 आ जाएगा, एक कम, 6 7 8 5, किस में 6 7 8 5, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है, इसमें कह रहा है कौन सा सबसे भिन्न है, ठीक है, चंद्रमा, पृथ्वी और ग्राहिका, यानी इसमें कौन भिन्न है, तो बी यानी सेटेलाइट, उपग्रह, उपग्रह क्या होता है, ये आपका मानव निर्मित है, सभी आपका प्राकृतिक है, ये आपका मानव निर्मित है, इसलिए आपका सबसे अलग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है, 58 में क्या आपका शिमला, दार्जिलिंग और ऊटी, देखिए शिमला, दार्जिलिंग और ऊटी ये सभी क्या है, तो ये सभी आपका हिल्स स्टेशन है, क्या हिल्स स्टेशन है, जबकि आगरा इससे क्या है, डिफरेंट है, ऑप्शन डी आएगा, आगरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है, क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए बछेरा, मेमना और क्या है, खरगोश, सावक, देखिए तो ये आपका सभी क्या है, तो सभी आपका बच्चा है, ठीक, बच्चा का नाम है, यानी बछेरा है, ठीक है, बछेरा है, मेमना, तो सभी आपका बच्चा का नाम है, ऑप्शन आपका बी आएगा, मुर्गी सबसे आपका डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 60 है, ठीक है, क्वेश्चन आपका 60 है, देखिए इसमें देखिए आपको देखना है कौन सबसे डिफरेंट है, अब ध्यान दिए, 60 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। अब देखिए 240 को आप जब भी फैक्टर करेंगे, ध्यान दीजिए 240 को जब भी फैक्टर करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 के पावर 4 गुने
215 आएगा, ठीक है, आप करके देखिएगा। फिर आप 272 कीजिएगा तो आपका आएगा 2 का पावर 4 गुने आपका 17 आएगा, ठीक है। जब 304 करेंगे तो आपका आएगा 2 का पावर 4 गुने आपका 19 आएगा, यानी सभी में आपका 2 का पावर 4 कॉमन है, 2 का पावर 4 कॉमन है, 2 का पावर 4 कॉमन है। उसके बाद आपका विषम संख्या है, देख सकते हैं लगातार विषम संख्या है, लेकिन 210 को आप फैक्टर करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है। ऐसे इसका फैक्टर करेंगे तो आपका 2 का पावर 4 ऐसा नहीं आता, आपका ऐसा आता 2 × 3 × 5 × 7 आता है, यानी यही आपका सबसे क्या डिफरेंट है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी आएगा। क्वेश्चन 61 में देखिए, 61 में क्या आपका MTF है, MTF यही इसमें आपको डिफरेंट देखना है, ध्यान दीजिए। अब देखिए S है और L है, S से आप यदि 7 बैक जाते हैं तब आपका L आता है, ठीक है, L से जब आप 7 बैक जाएंगे तो आपका क्या आता है E आता है। इसी तरह यहाँ भी आपका R से आप 7 बैक जाइए तो आपका क्या की आएगा, ठीक है, फिर K के बाद बैक जाइए 7 तो आपका D आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप जाते हैं तो M से आप जब T जाते हैं ठीक है 7 आएगा, लेकिन जब T से F जाएंगे तो आपका -14 का डिफरेंट है, यानी इसीलिए आपका सबसे डिफरेंट क्या है ऑप्शन ये आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है, देखिए आपका यहाँ क्या दुख है शोक है, तो दुख है शोक है और घृणा है, सभी आपका दुख जैसा है लेकिन कल्पना क्या आपका अलग है, सबसे अधिक आपका ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है, अब ध्यान दीजिए इसको ऐसे लिखा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल आपका देखिए एम के बाद आपका एन है 1+ है, ओ के बाद आपका पी है 1+ है, टी के बाद यू है 1+ है, इसी तरह आगे यहाँ भी बनेंगे तो जेड के बाद क्या आएगा आपका जेड के बाद 1+ कीजिए तो आपका ए आएगा, ठीक है, फिर आपका ई के बाद क्या आएगा एफ आएगा, फिर आपका एन के बाद क्या आएगा ओ आएगा, फिर आई के बाद जे आएगा, टी के बाद यू आएगा, फिर आपका एच के बाद आई आएगा, देख लीजिए किसमें ए एफ ओ जे यू है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 64 देखिए, 64 देखिए क्या क्या इसमें भी क्या किया आपको उल्टा लिख दिया, देखिए यहाँ आपका वाई है सी है, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, इसी तरह क्या क्या उल्टा लिख दिया, आप इसको लिख दीजिए, यहाँ टी है तो आपका टी होगा, फिर आपका एन है एन होगा, फिर आपका क्या एन के बाद ई है ई होगा। अब देखिए टी शुरुआती में आपका एक ही ऑप्शन में तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू में आपका टी है और टी आपका शुरू में किसी एक ही ऑप्शन में है तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 65 है देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद क्या होगा ई होगा, ठीक है ई होगा। अब यहाँ देखिए एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद क्या होता है आर होगा, तो ई आर होगा, क्या होगा ई आर होगा, ऑप्शन आपका बी आएगा, ठीक है ई आर, ठीक है ऑप्शन बी आएगा। अब यहाँ देखिए 66 में देखिए यहाँ आप क्या कीजिएगा 66 में ध्यान दीजिए, यहाँ आप माइनस कीजिए, ठीक है 25 में से आप 7 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 25 में से 7 को माइनस करने आपका आएगा आपका कितना 18 आएगा, ठीक है। अब 61 में से 25 को माइनस कीजिए, 61 में 25 को माइनस कीजिए आपका आएगा कितना 6 5 11 6, फिर आपका 4 9 36 आएगा, ठीक है यहाँ माइनस कीजिए 121 में कितना माइनस कीजिएगा तो आपका 60 आएगा, ठीक है। फिर आप इसमें माइनस कीजिए कितना आएगा आपका, इसमें माइनस करेंगे आपका आएगा 18 2 36 18 आएगा, इसमें माइनस कीजिए आपका कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 18 है यहाँ 24 है, कितना यहाँ देखिए आप कितना का अंतर है, तो 18 24 में कितना का अंतर है, 18 24 में आपका कितना का अंतर है देखिए ना, तो 24 में से एक सेकेंड 6 का अंतर है, यहाँ भी आपका 6 का अंतर होना चाहिए, तो 24 6 कितना होता है 30 होता है, 30 का अंतर यहाँ आपका 30 का और अधिक अंतर रहेगा तो 60 है, तो यहाँ कितना होगा 60 30 90 होगा, यानी इसमें आप 90 जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 121 में 90 जोड़ दीजिए आपका आएगा 1 9 2 11 200 211 आएगा, ठीक है ऑप्शन आपका बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 67 है, देखिए सी का 3 कोड है, ई का कितना 5 है, जी का कितना 7 है और आई का 9 है, ठीक है। अब देखिए 3 5 7 9 कितना का अंतर है, 2 2 का अंतर है, यहाँ 9 2 11 होगा, 11 2 13 होगा। अब देखिए 11 कोड कितना होता है और 13 किसका कोड होता है, तो 11 K को होता है, 13 आपका M को होता है, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, ये भी आसान था ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है, 68 में देखिए क्या है अंतर कीजिए आपका, यानी 202 में से 91 98 घटेगा कितना आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है यहाँ कीजिए कितना आएगा 4, यहाँ 9 आएगा, ठीक यहाँ कीजिए कितना आएगा आपका यानी 16 आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ 16 का अंतर है, आप देख रहे हैं यानी किसी का क्या स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे क्या आएगा 5 का स्क्वायर का अंतर आएगा, यानी 25 का अंतर आएगा, तो आप 25 का अंतर आएगा तो 227 में क्या कीजिए 25 ऐड कर दीजिए आपका आंसर आएगा, 227 में 25 ऐड कीजिए 7 5 12 2 2 4 1 5
और 252 क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है 252 ऑप्शन बी आएगा। ठीक है क्वेश्चन 69 में क्या है, क्वेश्चन 69 ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए ये आपका 9 का स्क्वायर है, ये 9 का क्यू है, ध्यान दीजिए ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यू है, इसी तरह 7 का स्क्वायर है, यह 7 का क्यू होगा, तो सिंपल 7 का क्यू कीजिए कितना आएगा, 7 का क्यू कितना आएगा 343 आएगा, 7 का क्यू 343 होता है, ऑप्शन आपका सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है, अब आपको देखना है कि शब्द कोश के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन आएगा, ठीक है आप चेक कर लीजिएगा, सबसे पहले कौन आएगा, देखिए MONE है, तो आपका सबसे पहले NA वाला आएगा, ठीक है तो NA वाला आपका NA एक बार R है यहाँ, NA एक बार यहाँ S है, तो STU PQ RST होता है, ये आएगा 1 पर, ये आएगा आपका 2 पर, ये दोनों में चेक कीजिए, इस दोनों में चेक कीजिएगा, इस दोनों में चेक करेंगे MNTTY यानी ये आपका आएगा थर्ड पर, थर्ड पर कौन आएगा आपका ऑप्शन सी आएगा, ये आपका थर्ड पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है अल्फाबेट आपको देखना, ठीक है अल्फाबेटिकली देखना आपको कौन सा अरेंज सही है, ठीक है इसका ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है हम इसे नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन 72 है, इसे भी आप बना लीजिएगा, ठीक है सिंपल क्वेश्चन है, सबका आपको चिन्ह दिया है, उसका आपको बदलना है, ठीक है सबका चिन्ह दिया उसको बदलना है, उसके बाद आपको क्या आएगा सिंप्लीफाई कर देना है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आएगा, उसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक क्वेश्चन आपका 73 है, देखिए इसमें कह रहा है किससे यानी इससे कौन सा लेटर नहीं बन सकता है, इसका डी आएगा, ठीक है ये भी आपका आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका 74 देखिए, 74 में देखिए कर आपका क्या कि इस श्रृंखला में पी क्यू आर का क्रम ऐसे कितनी बार है जिसमें आपका क्यू पी और आर के बीच है, पी यानी क्यू जो है पी और आर के बीच है यानी पी क्यू आर देख लीजिए कितना बड़ा है, ठीक है अब देखिए पी क्यू आर आपका यहाँ एक बार पी क्यू आर यहाँ भी एक बार है, पी क्यू आर आपका एक बार दो बार हो गया, अब पी क्यू आर यहाँ भी है, ठीक है और आपका पी क्यू आर यहाँ भी यानी चार बार है, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, क्वेश्चन है कि गत कल से अगले दिन से, देखिए अगर गत कल से ये मान लीजिए आज है तो गत कल यानी बीता हुआ कल ये होगा, गत कल से अगले दिन या अगला दिन ये होगा, अगले दिन से पहला दिन यानी इसका अगला दिन का अगला दिन ये होगा, ठीक है पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, अब देखिए शनिवार से 3 दिन बाद क्या होगा, तो शनिवार के बाद क्या शनि के बाद आपका रविवार होगा, ठीक है इसके बाद सोमवार होगा, फिर आपका मंगलवार होगा, यानी 3 दिन बाद क्या हुआ मंगलवार होगा, यानी ये क्या है मंगलवार है, ये आपका बुधवार होगा, ये बृहस्पति होगा, ये शुक्र होगा, तो यही कर आपका कि आज कौन सा दिन है, तो आज कौन सा दिन है शुक्रवार है, ऑप्शन आपका बी आएगा, ठीक है ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है, क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी, देखिए दक्षिण की ओर भाग रहा है, ध्यान दीजिए दक्षिण की ओर भाग रहा है, ठीक है ये आपका दक्षिण दिशा में जा रहा है, अब कह रहा है दक्षिण दिशा में भाग रहा एक लड़का अपनी दाई ओर मुड़ता है, इसका दाई क्या होगा, तो इसका दाई ये होगा, दाई ओर दाई ओर मुड़ता है और भागता है, फिर वह अपने दाई ओर मुड़ता है, यहाँ से इसका दाई क्या होगा, ये होगा दाई दाई ओर मुड़ता है और अंत में अपने बाई ओर मुड़ता है, ये दाई हुआ यहाँ से बाई ये हो जाएगा आपका, अंत में वह बाई ओर मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में भाग रहा है, ये कौन सा दिशा है, ये आपका पश्चिम दिशा है, ऑप्शन आपका बी आएगा यानी पश्चिम दिशा में भाग रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अब ध्यान दीजिए करा इस शब्द में के लिए यानी स्माइलिंग यानी इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, अब ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, देखिए अब आपको देखना है इसमें और इसमें देखना आपको कॉमन क्या चाहिए, ठीक है कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन आपको देखिए आर ई कॉमन दिख रहा है, अब यदि इसमें कॉमन है तो इसमें भी कॉमन होगा, ठीक है इसमें भी कॉमन होगा, अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, आर ई है आपका कॉमन देखिए क्या है सी है, ठीक है सॉरी आपका क्या है एस एच ई है, ठीक एस एच ई का कॉमन आपका है, ठीक अब यहाँ देखिए अब देखिए इसमें कॉमन मिलेगा आपको, इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ आपका इसमें और इसमें कॉमन देखना है, देखिए एस ओ है एक सेकेंड आपको आर ई देखिए यहाँ भी आर ई है, ठीक है यहाँ भी आ रही है, यानी तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन आपका आर यहाँ तो एस एच ई है, यहाँ भी एस एच ई है लेकिन इसमें तो नहीं है, यानी देखिए यहाँ भी ईज है, यहाँ भी ईज है, यहाँ भी ईज है, तो एक चीज़ हमें मालूम हो गया कि भाई आपका आर ई का कोड क्या होगा, ईज होगा, ठीक है क्योंकि आर ई यहाँ भी है, ईज यहाँ भी आ रही है, और यानी आर ई का कोड क्या हो गया, ईज हो गया, ये हमें कन्फर्म हो गया। ठीक अब यहाँ देखिए इसमें देखिए एन आई के निक यहाँ भी कॉमन है, निक यहाँ भी कॉमन है, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो एस एच ई यहाँ भी कॉमन है, तो यानी निक का कोड एस एच ई हो गया, ठीक है ध्यान दीजिए। अब क्या रह गया, अब देखिए अब यहाँ देखिए ऑलवेज है, यहाँ भी ऑलवेज है, यानी दोनों चीज़ मिल रहा था, इधर भी कुछ मिलना चाहिए, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है,
दोनों में कॉमन क्या है, देखिए आपका SOR यहाँ भी है, SOR यहाँ भी है, तो आपका ऑलवेज किसका कोर हो गया, SOR का कोर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या बचा, स्मेलिंग बचा। अब देखिए स्मेलिंग बचा आपका, स्मेलिंग अब यहाँ देखिए क्या बच गया, PI बच गया, यानी इसका कोड यही होगा, क्योंकि यहाँ भी शेष आपका ये बचा, यहाँ भी ये बच गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा, यानी स्मेलिंग का कोड क्या होगा, PI होगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के तीन विभिन्न स्थितियाँ दिखलाई है। ठीक है, कर लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग हो, देखिए अब देखिए इसका बनाने का तरीका ये है कि आप देखिए इसमें दो कॉमन मिल रहा है कोई, देखिए कोई भी आपको दो पृष्ठ में सेम कलर आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ काला है तो यहाँ एक संग, देखिए आपका काला है यहाँ तो यहाँ भी आपका काला है, अब देखिए कुछ मिल रहा है दोनों में, नहीं मिला, सिर्फ एक मिल रहा है। अब इस दोनों में देख लीजिए आपको, यहाँ देखिए हरा है तो यहाँ भी आपका हरा है, एक ही मिल रहा है, दो नहीं मिल रहा है, तो जब आपका सिर्फ एक ही पृष्ठ आपको मिले सेम, तो क्या करना है आपको, यहाँ से आपको क्लॉक वाइज देना। ठीक है, यहाँ देखिए काला है और यहाँ भी आपका क्या है, काला है, यहाँ से आप क्लॉक वाइज चलिए ये होगा, यहाँ से क्लॉक वाइज चलिए ये आएगा आपका, तो क्लॉक वाइज चलने पर आपका यहाँ पीला आ रहा है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है आपका, लाल आ रहा है, इसका मतलब का ये जो पीला है और यहाँ लाल है, ये दोनों आपका एक दूसरे का विपरीत आएगा। ठीक है, तो यानी आपका लाल का विपरीत क्या आएगा, पीला आएगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका 80 है, क्वेश्चन 80 है, आप देखिए इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, आपको सिर्फ आपको चिन्ह बदलना है, जहाँ आपका प्लस है वहाँ भाग दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ गुना कीजिए, जहाँ आपका गुना है वहाँ प्लस कीजिए, जहाँ भाग है वहाँ आप माइनस कीजिए। ठीक है, अब उसको इस बार कैलकुलेट कर दीजिए, तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं, आसान है, इसका बना लीजिएगा, आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका 81 देखिए, 81 देखिए आपका 81 में क्या करना है आपको, देखिए यहाँ क्या 16 है, यहाँ 2 है, माइनस में 2 है तो यहाँ 2 आया। ठीक है, यहाँ 9 है तो यहाँ 3 है तो यहाँ 0 है, आप ऐसे किया, देखिए ध्यान दीजिए ये 16 आपका किसका, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर है, इसी 4 में से इस 2 का माइनस किया तो आपका क्या आया, 2 आया। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए आपका ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है, और इस 3 का स्क्वायर है तो ये आपका 3 का स्क्वायर है, 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पर यहाँ क्या है, ये 9 का स्क्वायर, 9 में से 1 किया तो आपका आया 8 आ गया। इसी तरह यहाँ भी करेंगे 64 आपका क्या है, 64 आपका 8 का स्क्वायर है, 38 में से इस 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा आपका, 4 आएगा, तो यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए आएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है, 82 देखिए क्या किया है, 82 बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या किया है आपका, अब देखिए ए एस एच ए है ना, अब देखिए इसको यानी किसके बराबर है, 79 के बराबर है, कैसे आएगा, तो इसको ऐसे किया आपका, देखिए ए जो है अल्फ़ाबेट जो होता है, अल्फ़ाबेट में आपका उल्टा नंबरिंग किया। ठीक है, उल्टा यानी जेड, जेड को 1 किया, वहाँ से आपको उल्टा किया है, तो ए का कोड क्या आएगा, 26 आएगा। ठीक है, ए का कोड क्या आएगा, 26 आएगा। उसी तरह से आपका उल्टा कीजिएगा तो एस का कोड क्या आएगा आपका, एस का कोड आपका 8 आ जाएगा, ए का सॉरी हाँ ए का क्या आएगा आपका 20 सॉरी ए का कोड सॉरी ए का कोड आपका 26 आएगा। ठीक है, लेकिन एच का कोड क्या आएगा आपका, एच का कोड आपका यहाँ से 19 आ जाएगा। ठीक, अब इस सभी को ऐड कीजिएगा तब आपका आएगा 79 आएगा, तब 79 आएगा। तो क्या किया है, तो सभी को आपका अल्फाबेटिकली है लेकिन उल्टा उसको क्रम में क्या किया है, नंबरिंग किया है। तो इसी तरह से आपका देखिए वी का कोड निकालिए, वी का कोड निकालिए आपका 5 आएगा, आई का कोड निकालिए इसका आपका उल्टा 18 आएगा, उसी तरह एन का निकालिए 13 आएगा, ए का 26 आएगा, वाई का 25 आएगा, इसी तरह सभी का कोड आपको लिखना है। ठीक है, सभी का कोड लिख लीजिए यानी और तब उस सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबका कोड लिखकर ऐड कीजिए, आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, आपको हम प्रोसेस बता दिए, करना आप ही को है। ठीक है, करना है आप ही को। ठीक है, हम प्रोसेस ही बताएंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन 83 है, क्वेश्चन 83 में देखिए क्या करना है, ये भी सिंपल, आपका सबका कोड दिया है, इसी यहीं से आपका कोड इसका ढूंढ कर लिखना है। देखिए पी है तो पी का कोड क्या है आपका 6 है, तो 6 लिख देंगे, आई है, आई का कोड क्या है, देखिए आई का कोड क्या है आपका, आई का कोड यहाँ से देखिए 5 है, 5 लिख देंगे, सी है, सी का कोड क्या है आपका, सी का कोड 6 है, 6 लिख देंगे, सॉरी सी का कोड 6 नहीं है, सी का कोड कितना, सी का कोड आपका, सी का कोड 7 है, 7 लिख देंगे, फिर आपका क्या एन है, एन का कोड देखिए, एन का कोड यहाँ से, एन का कोड क्या आपका 0 है, 0 लिख देंगे, उसी तरह से आपका आई है तो आई का कोड क्या है आपका, आई का कोड आपका 5 है, 5 लिख देंगे, फिर सी है, सी का कोड आपका 7 है। अब देख लीजिए किस में है आपका, 657057 है, 657057 आपका ऑप्शन बी में है, ऑप्शन आपका बी में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है, 84 देखिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ दो पंक्ति में, दो पंक्तियों में प्रत्येक में तीन व्यक्ति बैठे। ठीक है, दो पंक्ति है, 6 व्यक्ति दो पंक्ति है। ठीक है, ध्यान दीजिए दो पंक्ति है, एक पंक्ति में आपका तीन व्यक्ति बैठा हुआ है, तीन व्यक्ति बैठा है, इसमें भी तीन व्यक्ति बैठा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि
करें, यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी ई जो होगा ई आपका नहीं तो यहाँ होगा, नहीं वो तो यहाँ होगा, और नहीं तो वो यहाँ होगा, नहीं यहाँ होगा, यानी किसी भी पंक्ति के लास्ट में ई नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ हमें मालूम हो गया कि ई आपका लास्ट में कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आगे क्या करा है, आगे करा आपका कि डी डी एफ के बाई एक को छोड़ कर है, करा डी जो है एफ के बाई एक को छोड़ करा, ध्यान दीजिए डी जो है डी डी जो है एफ के बाई और एफ का ये बाई होगा, लेकिन करा एक का छोड़ करा है। ठीक है, एक को छोड़ दिया, यानी हो सकता है आपका ये यहाँ पर हो, मान लीजिए यहाँ पर आपका डी है, यहाँ आपका एफ है, इसके बाई भी है और एक छोड़ कर भी है, एक गैप आपका है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे करा आपका कि सी एवं ई अगल बगल बैठा है, सी एवं ई अगल बगल बैठा है। अब देखिए करा सी ई अगल बगल बैठा है तो ई यहाँ पर आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है, और ई कहाँ होगा तो ई यहीं पर होगा। क्यों ई यहाँ पर होगा, क्योंकि आपका ई जो करा है ये आपका किसी भी कोड पर नहीं, अंत में नहीं है, तो ई भाई नहीं यहाँ होगा, नहीं यहाँ होगा, और यहाँ यहाँ नहीं होगा तो यहीं होगा आपका। तो ई जब यहाँ होगा तो करा सी उसके बगल में है, तो सी हो सकता है आपका यहाँ हो, अच्छा है, हो सकता है सी आपका यहाँ होगा, यहाँ भी होगा तो ई के बगल में है, यहाँ भी होगा तो ई के बगल में है। ठीक है, तो सी आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक, आगे देखिए क्या करा है, अब करा सी सी सॉरी सी डी के विकर्णतः बैठा है। अब देखिए क्या कर रहा है, सी जो है कर रहा है डी के विकर्णतः बैठा है, तो डी जो का विकर्णतः यही हुआ, यानी कन्फर्म हो गया कि सी आपका यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। एक चीज़ कन्फर्म हो गया, सी आपका यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक है, और देखिए और क्या कर रहा है आपका, और कर रहा है आपका कि बी एवं एफ अगल बगल बैठा है, बी एवं एफ अगल बगल बैठा है, तो बी आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा, तब तो एफ का बगल होगा एफ बी, अब बच क्या गया, ए बच गया तो ए आपका यहाँ होगा। ठीक है, अब सभी आपका अरेंज हो गया। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन, क्वेश्चन करा कि बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने देख लीजिए कौन बैठा है, तो बी के सामने आपका ई बैठा है, कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 85 है, देखिए इसमें क्या गया आपको, यानी इसको ऐसे लिखा टी आर सॉरी सॉरी आपका क्या टी आर नहीं आपका है आर ए टी आई ओ एन ए एल, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है आर टी ए एन आई ओ एल ए। अब देखिए सोचिए कि इसको कैसे लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऐसा किया है कि ये आपका आर यहाँ यहीं का यहीं है। ठीक है, और ए आपका यहाँ का यहाँ चला गया और टी आपको यहाँ आ गया। ठीक है, ये बदल दिया है। उसके बाद देखिए क्या किया है, आई आपका यहाँ आ गया और ओ आपका यहाँ आ गया और आपका एन यहाँ आ गया। इसी तरह आपका देखिए ये यहाँ चला गया और एल आपका यहाँ चला गया। अब ध्यान से देखिए आपको इसी तरह से आपको इसको भी करना है। ठीक है, अब चलिए इसको मैं करते हैं कैसे है, आपका टी है आर आई बी ए एल है, कैसे लिखेंगे, तो टी का तो आपका टी ए रहेगा यहाँ पर। ठीक, टी का आपका टी ही रहेगा और ये आपका आर जो है ये आर आपका यहाँ आ जाएगा, आई आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, और उसी तरह से आपका बी क्या होगा, तो बी आपका यहाँ चला जाएगा और ए आपका यहाँ चला जाएगा और एल आपका यहाँ आ जाएगा। अब देख लीजिए क्या होगा, टी आई आर एल बी ए, टी आई आर एल बी ए, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 86 है, क्वेश्चन 86 है, क्वेश्चन कह रहा है यदि रानी के पिता के चाचा, ध्यान दीजिए कह रहा है यदि रानी के पिता का चाचा कौन होगा, रानी के पिता के चाचा कहने का अर्थ ये हुआ कि रानी के दादा, कह सकते सीधे रानी के दादा। ठीक है, रानी के पिता के चाचा अनूप के अब देखिए कर अनूप के, ध्यान दीजिए अनूप के पिता के पोते हैं, यानी अनूप के पिता के कौन है, पोते है, यानी सिंपल बात है कि अनूप का पुत्र है, सिंपल कहा जाए तो अनूप का क्या है, पुत्र है। सोचिए तो भाई इसका पिता के पोते है, इसका मतलब इसका ये कौन है, पुत्र है। ठीक है, पुत्र है। अब कह रहा है कि अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है। अब देखिए अनूप का पुत्र कौन हुआ, अनूप का पुत्र कौन हुआ, रानी का दादा, अनूप का पुत्र हुआ रानी के दादा। ठीक, रानी के दादा, तो
तो अनूप कौन हुआ इसका, ये हो गया इसका परदादा, ठीक है। पर दादा के पिता कौन होगा, परदादा ही होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आएगा, परदादा हो जाएंगे, ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन देखा 87 है, इसमें कह रहा है आपका कि सभी चित्र को दिखाया गया, अब कह रहा है कि उस क्षेत्र को दर्शाया जो भारतीय नेता हो, भारतीय नेता हो परंतु गायक न हो। तो भाई देखिए भारतीय भी है और नेता भी है लेकिन गायक नहीं है, तो क्या होगा, कोड टू आ जाएगा इसके लिए, ठीक है, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है, इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना, कितने ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखिए, देखिए इसमें देखिए आप ट्रायंगल, इसमें इसमें आपका तीन ट्रायंगल नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह क्या कीजिए, एक सेकेंड, इसमें तीन है, इसमें देखिए इसमें भी आपका तीन होगा, ठीक है। इसी तरह इस बड़का में देखिए, इसमें भी तीन होगा, ठीक है। अब इसी तरह आप इसमें देखिए, इसमें भी आपका तीन ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो तीन यहाँ, ठीक, तीन यहाँ हो गया, एक सेकेंड, तीन यहाँ हो गया, और आपका इसमें देखिए, इसमें भी आपका तीन ट्रायंगल होगा। तो उस तरह से आपका यानी तीन तीन दून छः, तीन तीन छः, छः तीन नौ, नौ तीन बारह, बारह तीन पंद्रह, पंद्रह ट्रायंगल तो आपको ऐसे आ गया, ठीक है, पंद्रह ट्रायंगल आपको ऐसे आ गया। अब देखिए पंद्रह तो हो गया, एक सेकेंड, पंद्रह ट्रायंगल हो गया, एक सेकेंड, और कहीं आपको ट्रायंगल छूट रहा है, यहाँ देखिए पंद्रह, ये एक सोलह, ये एक सत्रह, ये एक अठारह, तो तीन तो यहाँ मिल गया आपको, अठारह ट्रायंगल मिल गया, अठारह, एक आपका ये हो गया उन्नीस, उन्नीस ट्रायंगल आपको मिल गया, ठीक है, उन्नीस मिल गया, ये आपका हो गया एक बीस, आपका बीस ट्रायंगल मिल गया, यानी आपका उन्नीस से अधिक ट्रायंगल है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए आएगा, उन्नीस से अधिक ट्रायंगल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89 है, इसमें देखिए ध्यान से आप 89 को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आपको ये लिखना है, आप सोचिए कैसे आया होगा, यानी 66 कैसे आया होगा, इसी तरह यहाँ भी सोचेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा आप, गौर से, तो आप देखिए ये 3 और 8 है, इसको जोड़िए कितना आएगा, 11 आएगा, और इस जो 15 है उसको जोड़िए कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, इस दोनों गुना कर दीजिए कितना, 66 आएगा। यहीं इसी तरह यहाँ भी किया, 9 दो 11 और 639, इनको गुना कर दिया 99 हो गया। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, हम क्या करेंगे, 8 में 2 को आप ऐड कीजिए, ठीक, गुने, और 4 में 4 को ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, आपको आ जाएगा, आपको आ जाएगा 8 दो 10, एक सेकेंड, 8 दो 10 गुने 8, भाई ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 8 दो 10 आ जाएगा, गुने 4 4 8 आ जाएगा, तो 10 8 80, ऑप्शन आपका सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, और सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 90 पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि वक्तव्य 1 है कि 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, ठीक है, 60% कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, और 2 दिया है कि श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है। यहाँ से एक निष्कर्ष यह निकलता है कि हो सकता है कि गोपाल हड़ताल पर गया हो, या हो सकता है कि गोपाल हड़ताल पर न गया हो, क्योंकि 60% गया है, तो दोनों किस बनता है। अब चलिए निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष इसका क्या है, निष्कर्ष है कि श्री गोपाल हड़ताल पर गया, निष्कर्ष 2 है कि श्री गोपाल हड़ताल में भाग नहीं लिया। अब देखिए दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कहीं भी क्या है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ये नहीं होता आपका, केवल 2 ये भी नहीं होगा, दोनों दोनों नहीं निकल सकता है, तो आंसर डी होगा, न तो 1 निकलता न ही 2 लागू होता है, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। क्वेश्चन 95 है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पक्षी बादल है, ध्यान दीजिए, कुछ पक्षी, ये आपका कुछ पक्षी बादल है, ये आपका बादल है, कुछ पक्षी बादल है, और कह रहा है कि कुछ घोड़ा पक्षी है, कुछ घोड़ा पक्षी है, ध्यान दीजिए, कुछ घोड़ा पक्षी है। अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष कह रहा है कुछ बादल पक्षी है, ये तो आपका बिल्कुल सही है, कुछ बादल पक्षी है। सेकेंड है कि कुछ घोड़ा बादल नहीं है, कुछ घोड़ा बादल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते, तो आपका 1 तो सही है, 2 गलत है, ठीक है, 1 सही है, 2 गलत है, आपका ऑप्शन ए आएगा, निष्कर्ष केवल 1 निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है, क्वेश्चन कह रहा है कि शाकभक्षी बाघ पशु, शाकभक्षी बाघ पशु, तो देखिए आपका पशु के अंतर्गत ही आपका आ जाएगा क्या, बाघ आ जाएगा और शाक भक्षी आ जाएगा, ऑप्शन आपका ये आएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है, क्वेश्चन है कि लाभ लाभांश बोनस, इसमें आपको रिलेशन बताना है। देखिए ये आपका यानी देखिए लाभ, ये लाभ हुआ,
लाभ का ही अंश लाभांश होता है और बोनस का भी कुछ भाग लाभांश होता है, यानी ये आपका आ जाना चाहिए ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन 94 है, कह रहा है प्रश्न आकृति, ये आपका प्रश्न आकृति दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति प्रश्न आकृति को घड़ी के अनुदिश यानी क्लॉक वाइज घुमाने पर कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त नहीं हो सकेगी, यानी इसको यदि हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो कौन सा आकृति है जो नहीं बन पाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं आपका, देखिए ये आपका है क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन में आपका ऐसा था, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा था यानी ऐसा था, ठीक है। अब इसको आपको क्लॉक वाइज घुमाना है, कौन सा आकृति नहीं बन पाएगा, तो ये तो आपका बन जाएगा, ये बनेगा, ठीक है, ये आपको बनेगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो बनेगा, ये भी आपको बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये आपका जो सी है ये आपका नहीं बन सकता। आप ध्यान दीजिए, ये जो रोटेट करेंगे ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो ये पार्ट कैसे इधर चला जाएगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये पार्ट हमेशा इसके बैक ही रहेगा, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका नहीं बन पाएगा, ठीक। जैसे आपका क्वेश्चन 95 है, 95 में कर आपका कि प्रश्न आकृति है, आपका यहाँ जो आकृति आपको देखिए देख रहा है ना छूटा हुआ है, वो कर पार्ट कौन सा होगा। आप देख लीजिए सिंपल आपका है कि इसको कैसे मिलेंगे, ये आपका ऐसे मिल जाएगा, ये आपका ऐसे मिल जाएगा, यानी देखा जाए तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पर होगा, ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है, आप 96 में देखिए कौन सा होगा, अब ध्यान से देखिए आपको 96 को, तभी आपको बन पाएंगे यानी आप बना पाएंगे। आप देखिए 96 का ऑप्शन आपका सी आएगा, ठीक है, ऐसा आपका इसका हम PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये आकृति वाले क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तभी क्वेश्चन आपको बन पाएगा, ठीक। क्वेश्चन आपका देखिए 97 है, 97 देखिए आपको ऐसे आपको यानी यहाँ आपको ऐसे कट किया गया, आप ध्यान दीजिए इसको ऐसे मोड़ कर ऐसे बनाया फिर ऐसे कट किया, आपको इसको खोलने के बाद कौन सा आकृति बन पाएगा, आप ध्यान से देखिए ये आपका ये यानी अब देखिए ये यानी ऑप्शन देखिए डी आएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी आएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका डी आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए 98 है, क्वेश्चन आपका 98 है, 98 में क्या है आपका करा है आपका मिरर इमेज, ठीक है, ये तो सिंपल आपका है, इसका मिरर इमेज क्या होगा, देखिए छोटा फिर बड़ा फिर आपका यहाँ कट होगा, ठीक है, यहाँ ये बॉक्स होगा, देखिए किस में है, छोटा होगा पहले फिर बड़ा, यानी आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, इसका आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है, 99 में देखना आपको कि ये कह रहा है किस फिगर में आपको यानी अंतर्निहित है, तो आप देख सकते हैं आपको देखिए ये डम्ब आपका यहाँ है, देखिए ध्यान से ये आपका यहाँ पर है, देखिए ना ऑप्शन ए में देखिए ना आपका ये जो है ये देख सकते हैं ये आपका देखिए उसको उल्टा ही आपका ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये आकृति आपका ऑप्शन ए में अंतर्निहित है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 100 है, अब देखिए एक क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिस्टेक है, आपको मिस्टेक इसीलिए कह रहे हैं, देखिए आपको दिखाते हैं, चलिए ऑप्शन देखिए आप किसका कोड लिखने के लिए कह रहा है कि इसका यानी ROST रोस्ट इसको यानी कौन सा कोडिंग सही है, आप ध्यान दीजिए, चलिए ऑप्शन आपको दिखाते हैं किसका कोड ROST लिखना है। अब देखिए टी है यहाँ पर, ध्यान दीजिए टी का कोड क्या क्या हो सकता है, देखिए टी का कोड आपका यहाँ 5 है 9 यानी 5 9 कोड हो सकता है, पहले हम रो को लेते हैं नंबर फिर आपका कॉलम को लेते हैं, ठीक है, ये आपका कोडिंग होता है, ठीक है, कोडिंग होता है, तो ROST। अब चलिए ऑप्शन एक में चेक कीजिए लास्ट में क्या है, 40 है, 40 देखिए तो 40 किसका कोड है, 40 किसका कोड है, तो 40 देखा जाए 40 ये आपका 40 ओ का कोड है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बी को चेक करते हैं क्या 29 है, 29 देखिए किसका कोड है, 29 किसका कोड है, 29 देखिए 29 तो है ही नहीं किसी कोड, यहाँ पर कोड किसी का नहीं है, 29 किसी का कोड नहीं है, यानी आपका ये तो बी भी नहीं होगा। सी को चेक कीजिए क्या 92 है, 92 देखिए किसका कोड है, 92 भी कोड किसी का नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 58 देखिए 58 आपका एस का कोड है, क्या एस का कोड है, यहाँ क्या था लास्ट में टी था, तो किसी में नहीं है, इसलिए कहते हैं आपका क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, ठीक है, ये जो आपको बनाया है ना ये डायग्राम इसी में आपका कहीं पर मिस्टेक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाते हैं, तो आपका मिस्टेक किसी ऑप्शन में ही सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन आपका 101 आ गया। यहाँ से फिर आपका जीके जीएस स्टार्ट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, ये आपका हो जाएगा यानी विटामिन ए सबसे अधिक किस में होगा, गाजर में होगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए होता है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, तो कक्ष के रन में पाए जाते हैं, ऑप्शन भी होगा। ठीक, क्वेश्चन 103 है, जब बैरोमीटर पारा अचानक से गिर जाती है तो उसका क्या घोतक होता है, इसका होता है कि आंधी तूफान आने वाली है, यानी आंधी तूफान की यानी ये इंडिकेटर होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी आएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जैवमंडल नहीं है, आपका जगह ऑप्शन ए मनार की खाड़ी। क्वेश्चन आपका 105 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, तो पोलियो आपका वायरस के कारण होते हैं, ऑप्शन आपका बी आएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका 106 है, क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है, यह आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है, क्वेश्चन है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो ये एड्स की पहचान करती है। क्वेश्चन 108 है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है, तो ये खरगोश के ऊन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 109 है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहकता रखता है, यानी सभी से वो ब्लड ले सकता है, ये आपका ग्रुप ए भी है। ठीक है, ग्रुप ए भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 111 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, तो लोहा आपका आयरन सबसे अधिक आपका इसमें सेब में पाया जाता है, ऑप्शन ए होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 112 है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोहे की गेंद यानी पारे मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो क्या होगा, यह पारे की सतह पर तैरेगी, क्योंकि पारा का घनत्व यानी लोहे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए यानी लोहा क्या होगा, तैरेगी, क्योंकि लोहा का घनत्व कम होता है पारा से, ऑप्शन का बी होगा। ठीक, क्वेश्चन का 113 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन डी आएगा। ठीक, क्वेश्चन 114 है, क्वेश्चन है कि तीन तत्व जिनका प्रयोग रासायनिक उर्वरक में सबसे अधिक होता है, यह होता है आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 115 है कि दही का खट्टापन निम्न से किस कारण से होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ऑप्शन बी होगा। ठीक, क्वेश्चन 116 है कि डेसिबल का प्रयोग किसके मापने को करते हैं, डेसिबल का प्रयोग हम ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 117 है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो यह होता है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 118 है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, तो कैल्शियम की आवश्यकता हड्डियों के विकास के लिए होता है, ऑप्शन आपका सी आएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका 119 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो याद रखिए आपका जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी होता है। ठीक है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, डी आएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका 120 है, क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभाओं की बैठकों के बीच में अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। देखिए तो ग्राम सभा के दो बैठक के बीच में आपका अधिकतम समय अवधि है 3 मंथ है, 3 मंथ से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका सी आएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 121 है, इसमें आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका, है कृष्णा नदी ये आपका महाबलेश्वर से निकलता है यानी 4 होगा, फिर आपका गोदावरी, तो गोदावरी आपका नासिक से निकलता है, फिर आपका 3 ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका ये यानी ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो कहलाती है, फिर आपका नर्मदा या अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अब चलिए इसका देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा आपका, देखिए आपका जगह यानी ए का आपका क्या है, डी है, बी का आपका सी है, 3 का क्या है आपका, बी है, 3 का बी है, और 4 का ए है, यानी डी सी बी ए यानी आप ऐसे दिया है ना, आप देखिए 1 का डी था यानी 1 का डी था, 2 का सी था, 3 का बी था, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 122 है, क्वेश्चन है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियत क्या होनी चाहिए, यानी पंचों की गणपूर्ति यानी कितनी होनी चाहिए, तो आपका 122 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7 कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 133 है, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति गठन किनके किन से किया जा सकता है। ठीक है, इस समिति गठन किनके द्वारा
किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन डी आएगा, ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। यानी उसका सदस्य कौन बन सकता है, तो ऐसे सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो वही बन सकता है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी आएगा। क्वेश्चन आपका 124 है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, ठीक, करा उप मुखिया के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए है कि उप मुखिया का चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये गलत है, ठीक है। देखिए उप मुखिया के चुनाव में यानी जितने भी आपका यानी वार्ड सदस्य होता है वो वोटिंग करता है, यानी इसमें मुखिया वोटिंग नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन ए ही गलत है। क्वेश्चन क्या करता है ऑप्शन ए में कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये आपका गलत है, मतदाता नहीं होता है। यानी आपका ऑप्शन ए ही गलत था और आपका गलत ही ऑप्शन पूछ रहा था, ऑप्शन ए ही होगा। आगे चलिए पढ़ते हैं, बी में कि निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये आपका सी है। सी है कि ग्राम निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। डी है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये आपका सही है, तो ऑप्शन कौन सा गलत है, ऑप्शन आपका ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुखिया स्व हस्तरित आवेदन देकर अपने पद का त्यागपत्र कर सकता है, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना प्रतिवेदन किसे देना होगा, यानी वो अपना इस्तीफा किसको देगा, ये देगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 126 है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी से संबंध रखता है, तो ये आपका 10वीं अनुसूची है। देखिए 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है, 10वीं अनुसूची को, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 127 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है, यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों में से पारित माना जाएगा, तो 14 दिन। देखिए जैसे आपका यानी केंद्र में आपका संसद में जैसे राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है, उसी तरह से राज्यों में विधान परिषद भी अधिकतम यानी धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकता है, ठीक है, उसे आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 128 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए यानी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, करा किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था, तो सिंपल है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को सरदार सोहन सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन 129 है, क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो ये आपका नगर पालिका से है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 130 है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है, ऑप्शन आपका ए होगा, अनुसूची 1 में परिवर्तन करना होगा। देखिए यह क्वेश्चन आपका 2015 का है, तो आपको पता होगा 2014 में आपका तेलंगाना एक नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, इसलिए आपका ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 131 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज पार्टी है, कौन सा राज पार्टी है, देखिए इसमें आपका हो जाएगा बहुजन समाजवादी पार्टी, ये आपका एक राज्य पार्टी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 132 है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है, ये आपका जीवी मलंकर है, ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 133 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान मंडल का ऊपरी सदन यानी विधान परिषद नहीं है, तो बिहार में है उत्तर प्रदेश में है और महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में आपका विधान परिषद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 134 है, क्वेश्चन 134 है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं तो राज्यसभा की सीट कितनी है, तो बिहार में आपका लोकसभा का 40 है, राज्यसभा का 16 सीट है, ठीक है, और विधानसभा का आपका 243 सीट है और विधान परिषद आपका 75 सीट है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 135 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी है, तो ये आपका है 10,40,99,452, ये पूरे डाटा आप याद रखें, ठीक है, कभी कभी आपका पूरे डाटा आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 136 है, क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के
सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या से कितनी होती है, तो ये आपका एक तिहाई होनी चाहिए, ठीक है। यानी विधान परिषद की सदस्य की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य के 1/3 होनी चाहिए, ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 137 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिला है, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 138 है, क्वेश्चन कह रहा है कि माइक मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा तय करती है, तो ड्रोन रेखा किन के बीच सीमा तय करती है, तो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करती है आपका ड्रोन रेखा, ठीक है। और जब आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑप्शन में न हो तब आपका आंसर होगा भारत अफगानिस्तान, ठीक है। जब आपका ऑप्शन में पाकिस्तान अफगानिस्तान न हो तब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 139 है, क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था। देखिए तो ये आपका उस समय ब्राजील में हुआ था, ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 140 है, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड कैंसर का आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 141 है, क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया, तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, तो ये भी आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक। क्वेश्चन का 142 है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी देखिए चीन से गुजरती है, तिब्बत से होकर भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से नहीं गुजरती है, ऑप्शन ए होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 143 है, क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, यह बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 144 है, क्वेश्चन है कि कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, तो ये जमशेदपुर में अवस्थित है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका है कि फिजी की राजधानी कौन सी है, तो फिजी की राजधानी सुवा है, क्या है, फिजी की राजधानी सुवा है, ऑप्शन ए होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 146 है, क्वेश्चन है कि शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी, तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, ऑप्शन बी होगा, मिट्टी की छोटी गाड़ी, क्या होता है उसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 147 है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोकनीत है, या आपका आंध्र प्रदेश की लोकनीत है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है, तो गोदान लिखा गया, गबन भी लिखा गया और रंगभूमि भी लिखा गया, लेकिन गोरा ये आपका मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 149 है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्न से किसे मिला, तो ये आपका सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर सी एन राव को दिया था, ऑप्शन आपका सी आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा, तो ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का ही प्रश्न है। क्वेश्चन का 150 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल ऑफ फ्रेजर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था, ये होता आपका मिथाइल आइसोसैनेट गैस का रिसाव हुआ था, तो ये था आपका यानी बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न जो आपका पेपर 2015 में हुआ था, 2015 के बाद अभी आपका 2023 में वैकेंसी आई है, तो आप समझ लीजिए कितना समय आपको वैकेंसी आने में लग गया है, तो ये भी आपका फिर दोबारा 5 से 6 साल आपको वैकेंसी दिखने वाला नहीं है, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और पहले आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए, जितने भी अभी आपका प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सभी को आप बनाइए, ठीक है, इससे आपको एक एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, तो ये आपका यानी क्वेश्चन बैंक का पूरा फुल सोल्यूशन था, तो इसे आप बनाइए, हो सकता है आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, 2 बार देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका यानी मैथ का सीखने को मिलेंगे, रीजनिंग को सीखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आपको हम इसी तरह से आपका सभी का यानी हल पेपर को हल करवाएंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।